हम अपने आप को खुद अट्यून कर सकते हैं, वी कैन अट्यून अवर ओन सेल्फ, बट फॉर दैट वी नीड डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल, दैट इज बॉडी, माइंड एंड एनर्जी. हम अपने मनसा वाचा कर्मणा के डिसिप्लिन को अगर गैदर कर लें तो हम अपने आप को अट्यून कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें व्रत या उपवास करना पड़ेगा, इसके लिए काफी कठिन. तो अट्यूनमेंट आप अपने आप को दे सकते हैं यदि आप कठिन उपवास में, व्रत में, संकल्प में बिलीव करते हैं, बट हमारे पास क्या होता है, इतना डिसिप्लिन हमारे बस की नहीं होता, करंट वर्ल्ड सिनेरियो में तो बिल्कुल नहीं होता. इन दिस मॉडर्न एरा वी डोंट फॉलो दैट रेजिम एंड रूटीन, एंड वेन यू डोंट फॉलो दैट रेजिम एंड रूटीन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेन योरसेल्फ. सो दैट क्लेंजिंग, दैट प्यूरिफिकेशन इज नॉट इजी टू मेंटेन. सो वी नीड अ टीचर, वी नीड अ सेंसे और अ गुरु टू अट्यून अस. हमारा खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें किसी गुरु की या किसी अट्यूनर की जरूरत पड़ती है, दैट्स ऑल. ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को खुद अट्यून नहीं कर सकते, आप अपने आप को तपस्या में जाकर अट्यून कर सकते. इफ यू कैन डू कॉन्स्टेंट ध्यान और तप, देन यू कैन अट्यून योर सेल्फ. हैव यू सीन द वीडियो ऑफ माइन ऑन यूट्यूब? क्या आपने सबने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा है अट्यूनमेंट का वीडियो? अगर नहीं देखा तो रेकी लेवल का वीडियो पर देख लेना. हैव यू सीन द वीडियो दैट इज प्लेस्ड ऑन यूट्यूब? फाइन, इफ यू नॉट देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू इन मेनी वेज. रेकी कैन बी जनरेटेड बाय पाम रबिंग, सिंपल पाम रबिंग और फिंगर टैपिंग. ध्यान सुनिएगा, रेकी को अपने शरीर में टेम्परेरी क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट रेकी टेम्परेरली into your body, you can do the palm finger tapping or palm rubbing. Write down please. लिख लीजिए इसे. आपको यदि अपने शरीर में temporary reiki को activate करना हो तो अपने palms को rub करके या finger को tap करके आप कर सकते हैं. Okay? Now question arises कि I have placed the whole video on YouTube. Then why to attend this session? मैंने तो पूरा YouTube पे वीडियो डाला हुआ है, तो यहां पर आके मुझसे वापस सीखने की जरूरत क्या है? YouTube पे सीख लेते, ये एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत क्या थी? एवरी कंटेंट इज अवेलेबल ऑन YouTube, आई हैव प्लेस्ड इट बाय मायसेल्फ, देन व्हाई यू नीड टू रीपे मी? बिकॉज देर इज नो अट्यूनमेंट इन दैट वीडियो. द एनर्जी एक्सचेंज इज फॉर अट्यूनमेंट, not for the content. No healer can charge money to you for the content. The energy exchange will always be for the attunement only. Kabhi bhi koi bhi healer aapse jo sikhate hue vidya hoti hai uske paise le nahi sakte. Aapse jo ye rinanu bandhan mukt kara jata hai paise lekar ki aap hume kuch dete hain, hum aapko uske badle mein kuch dete hain, ye kyun karte hain? ताकि हम अपने अट्यूनमेंट के बंधन से मुक्त रहें और आप भी अट्यूनमेंट के बंधन से मुक्त रहें. हमने आपको अट्यूनमेंट दिया, उसके बदले में आपने हमें कुछ दिया. ये कंटेंट का पैसा कभी कोई चार्ज कर ही सकता, कंटेंट की फीस कैलकुलेट कर ही सकता, कंटेंट कितना भी हो सकता. नो वन कैन चार्ज फॉर कंटेंट. आई कैन प्रोवाइड एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द कंटेंट, हाउ कैन आई चार्ज फॉर दैट कंटेंट? Either I have to say, make the fees according to the content. Two lines of statement, 10 rupees. Four lines of statement, 20 rupees. According to the a la carte mode. Ya to main apne content ki har line ke upar amount tay karu. Ye kaun tay karega ki main kitna de raha hu, uske badle mein kitna lunga? Ye to possible nahi hai. No one can decide how to calculate the fees. The fees has to be according to the attuned. तो कभी भी कहीं रेकी की जो दीक्षा लेते हैं, कहीं अट्यूनमेंट लेते हैं, कहीं शक्तिपात लेते हैं, तो फीस केवल हर गुरु के साथ उस दीक्षा की होती है, शिक्षा की नहीं. शिक्षा की कोई फीस नहीं होती, दीक्षा की फीस हो सकती है. लिख लीजिएगा, बहुत काम का कंटेंट है ये. किसी की शिक्षा की कोई फीस क्या ही देगा? अगर मैं आपको पूरे वेद पढ़ाने बैठ जाऊं रेकी के अंदर, चारों वेद पढ़ा दूं आपको बैठ के,
क्या फीस दोगे फिर उसकी? पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी पड़ेगी, शायद वो भी कम पड़ेगी। तो शिक्षा की कैसे फीस लगा सकते हैं? पर हम दीक्षा का जो ऋणानु बंधन होता है उसे मुक्त करने के लिए एक अमाउंट तय करते हैं कि आप हमें कुछ देंगे, उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। अब कितना होता है ये तो कोई तय कर ही नहीं सकता। गाइडेंस बेस्ड, मेरी जितनी फीस है सारी गाइडेंस बेस्ड है। द अमाउंट दैट आई चार्ज फॉर एवरी सिलेबस, एवरी कोर्स ऑफ माइंड, दैट इज गाइडेंस बेस्ड। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट। व्हेन आई एम इन अ मेडिटेशन स्टेट एंड आई आस्क एनर्जी कि व्हाट आई हैव टू टेक, देन देयर इज द नंबर। इवन आई फॉरगेट द फीस आफ्टर गेटिंग द गाइडेंस। मुझे नहीं पता था गाइडेंस रिसीव करने का वो फीस कितनी है, मैं याद नहीं रख पाता उस चीज को। गाइडेंस बेस्ड, इट्स गुड टू आस्क गाइडेंस अबाउट योर थिंग्स। आई टेक एवरी केस अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ओनली। मैं हर केस को लेता हूं गाइडेंस के बेस पे। यू नो दिस थिंग वेरी वेल। वाई मैं हर चीज को गाइडेंस बेस पे क्यों करता हूं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? और आज कहीं करूं मैं इतने में? हाँ, जो अब वीडियो ओपन कर रहे हैं उनका नहीं करूंगा। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आंसर होंगे, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में लिख देना, मैं वहां तक मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। हाउ डज रेकी वर्क्स? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ रेकी? रेकी ऊर्जा, रेकी शक्ति कैसे काम करती है? इसके काम करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है? इज इट मैजिकल पावर? इज इट लॉजिकल पावर? व्हाट इट इज? क्या ये मैजिक है या ये लॉजिक है? ये काम कैसे करती है? इज इट अ फेथ हीलिंग दैट द पर्सन दैट इज रिसीविंग समथिंग, यू जस्ट से कि यू आर हैविंग एनर्जी, यू आर रिसीविंग एनर्जी एंड दे जस्ट हैव फेथ। क्या केवल फेथ हीलिंग होती है कि आपने दुनिया से कह दिया कि हम तुम्हारी हीलिंग कर रहे हैं, उन्हें हीलिंग मिल गई? क्या ये फेथ हीलिंग है या वाकई में कोई साइंस है जिस पे कि कुछ भरोसा करा जा सकता है? इज इट अ साइंस ऑन विच यू रियली कैन रिलाई ऑन, और इज जस्ट अ फेक साइंस? सो व्हाट इज रेकी? हाउ डज इट वर्क्स? रेकी इज अ साइंस दैट बेस्ड ऑन वाइब्रेशन थ्योरी। रेकी एक साइंस है जो कि वाइब्रेशन पे बेस्ड है। वी आर बॉर्न इन द यूनिवर्सल सिस्टम विथ सम वाइब्रेशन। हम पूरे ब्रह्मांड के तरंगों के बीच में एक तरंग बन के पैदा होते हैं। हमारी भी एक वाइब्रेशन होती है जो हम पैदा होते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम वाइब्रेशन कहते हैं। वी कॉल इट एज ऑप्टिमम वाइब्रेशन। वी आर बॉर्न विद दिस एनर्जी। हम इस एनर्जी के साथ पैदा होते हैं। विद कोर्स ऑफ टाइम द मोर वी डेवलप, द मोर वी एज, द वाइब्रेशन बिकम्स मिनिमाइज और वाइब्रेशन बिकम्स रेगुलराइज। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये जो हमारी वाइब्रेशन होती है बचपन में जो मिली होती है एनर्जी के फॉर्म में, ये थोड़ी कम हो जाती है या निर्धारित हो जाती है। धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एनर्जी तो है नहीं, हम तो वीक हैं, दूसरे हमें अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से हम चार्जिंग ले रहे हैं, उनकी पावर से हम पावर ले रहे हैं। विद द कोर्स ऑफ टाइम वी हैव दिस मेंटेलिटी दैट वी टेक एनर्जी फ्रॉम अदर्स, वी गेट चार्ज बिकॉज ऑफ अदर्स। इन हीलिंग वी मेंटेन दिस वाइब्रेशन इनसाइड आवर बॉडी और अदर्स बॉडी। जब हम हीलिंग करते हैं तो इसी वाइब्रेशन को दोबारा से कायम कर लेते, जिस वाइब्रेशन के साथ हम यूनिवर्स से छोटे थे और धरती पर आए थे, उसी वाइब्रेशन को वापस फॉर्म कर लेते हैं, हमारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है।
वी मेक अवर वाइब्रेशन अलाइंड इन द सेम वे इन विच वी वर बॉर्न। आपकी वाइब्रेशन को हम वैसे ही कर देते हैं जिस वाइब्रेशन के साथ आपका जन्म हुआ था। हैव यू सीन मॉन्क्स? आपने मॉन्क्स देखे? मॉन्क्स व्हेन दे डाई देयर बॉडी इज जस्ट लाइक अ बेबी। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न द बॉडी इज इन पर्टिकुलर शेप इन पर्टिकुलर एंगल विद सम पर्टिकुलर वाइब्रेशन। व्हेन द मॉन्क डाइज द मॉन्क डाइज इन द सेम वे विद द पिंक कलर विद द ब्लू ब्लूइश पिंक कलर अराउंड द बॉडी। मॉन्क का मरते वक्त शरीर वैसा ही होता है जैसे बच्चे का पैदा होते शरीर होता है। तो हमें यूनिवर्स से जब आना चाहिए और जाना चाहिए दोनों की अवस्था लगभग एक ही होनी चाहिए। दोनों की अवस्था में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमारे डेड बॉडीज की शक्लें देखी हैं? हैव यू सीन द फेसेस ऑफ डेड बॉडी? आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग डेड बॉडीज बट मतलब दे कांट माइंड सो वी शुडंट। The faith of dead body is according to the karma that they have done in their life. किसी मृतक का चेहरा वैसा होता है जाते वक्त जैसे कर्म उसने करे हो। Some people go with the peace. आपने जाते हुए कुछ लोगों का चेहरा देखा हो कितना शांत होता है कितना रिलैक्स होता है। और हर इंसान का चेहरा इतना रिलैक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जिंदगी में सोच होती है ना वो चेहरे पर स्ट्रेस ले आती है वाइब्रेशन को। द लाइफ दैट वी लिव इज फुल ऑफ मैनी थिंग्स मैनी अनवॉन्टेड थिंग्स दैट वी नीड टू शेड ऑफ। सो वेन वी डाई वी डोंट शेड कंप्लीटली वी डाई विद द इम्पैक्ट ऑन अस अनवॉन्टेड थिंग्स ऑन अस। दैट्स वाई द डेड बॉडी लुक एट दिस रेस्ट। डेड बॉडी लुक्स विद रेस्टलेसनेस ऑन द फेस। हर किसी के मरते वक्त दिल में शांति होती है क्या? नहीं। तो चेहरे पर वो शांति नहीं हो पाती। अच्छा चलो डेड बॉडी की बात तो छोड़ो, रात को सोते हुए आपका चेहरा कैसा होता है? स्लीप इज अ टेम्परेरी डेथ। आपकी जो निद्रा होती है वो आपकी टेम्परेरी डेथ होती है। वी ऑल नो दिस, हमें पता है इस बात के बारे में कि वी डाई एवरी नाइट एंड वी व्हेन वी वेक अप इट्स अ न्यू बॉर्न बर्थ दैट वी टेक। वी गेट बर्थ एवरी मॉर्निंग एंड वी डाई एवरी नाइट। हर रात को हमारी मृत्यु होती है टेम्परेरी मृत्यु और जब हम उठते हैं सुबह तक नया जीवन होता है। रात को सोते हुए आपका चेहरा देखा है आपने कभी? रिकॉर्डिंग कराना किससे? ऐसे भयानक चेहरे बना बना के सोते हैं ना लोग कई। और हम सभी किसी इंसान की अगर साइकोलॉजी समझनी है उसे सोते हुए देखना। द पर्सन विद अ ब्यूटिफुल हार्ट विद विल स्लीप लाइक अ बेबी। पर्सन विद हैवी हार्ट विद विल स्लीप विद अ हैवी बॉडी पॉस्चर। जो इंसान की नींद अच्छी होगी उसका हृदय अच्छा होगा। सोते हुए कभी किसी को देखना। एक छोटा बच्चा ऐसे होता है ना किसी की अगर मुद्रा ऐसी हो सोते हुए उसका पॉस्चर ऐसा हो। साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड दोनों इजी हैं। जब किसी के सोते वक्त उसके चेहरे पर स्ट्रेस हो नींद लानी पड़ रही हो। देखो काम की वजह से नींद ना आना एक अलग बात बट सब कुछ है पर नींद नहीं है सबकॉन्शियस परेशान है। When your subconscious is at ease, your sleep posture, your sleep quality will be beautiful. जब subconscious किसी का easier होता है तो उसका sleeping posture, उसका sleeping quality दोनों बहुत बढ़िया होता है। Am I clear to you all? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर अपने psychology के बारे में जानना चाहते हो तो कमरे में कैमरा लगा देते। रात को सोते हुए देखना कि कैसे सोते।
मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे अपने आप को इंक्लूड करते, मैंने बहुत लोगों को रिकॉर्ड करा है, देखा मैंने सोते हुए, मैं घंटों ऑब्जर्व करता हूँ जब भी मौका मिलता है मुझे किसी को सोते देखने का। किसी की भी हीलिंग कैसे करनी है आपको उसकी नींद देख के पता लगता है। मेरे पास कई बार क्लाइंट आते हैं, मैं सुला देता हूं, और जैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं पता लग गया साइकोलॉजी कैसी है, मुझे हीलिंग कैसे करनी। जितने भी एनएलपी पढ़ चुके हो, हिप्नोसिस पढ़ चुके हो, साइकोलॉजी पढ़ चुके हो, आपको पता है वो क्या मैं बता रहा हूं, इसके बारे में बात करें, सबकॉन्शियस की रीडिंग कैसे करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है समझ लेना, इसमें हमारी नींद हमारी मृत्यु बता देगी सोच सही थी या नहीं थी। आवर स्लीप एंड आवर डेथ विल प्रूव दैट आवर लाइफ वॉज काउंटेबल और नॉट, यू आर लिविंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। एवरी नाइट वेन यू स्लीप ऑब्जर्व योर सेल्फ, एवरी मॉर्निंग वेन यू वेकअप वॉट फर्स्ट थॉट यू हैव, एवरी मॉर्निंग वेन यू वेकअप वट फेस यू हैव, इट विल बी क्लियरली टेलिंग यू अबाउट योर एनर्जी। जो आप सुबह सो के उठते हो, आपका चेहरा देखा आपने सुबह उठ के, आंख खोल के चेहरा तो देखा होगा अपना या अपने आसपास वालों का। किसी किसी का चेहरा घंटे भर तक ऐसा होता है कि रात को कोई पानीपत की लड़ाई लड़के आया है, नींद में कोई युद्ध लड़ा होगा इसने, बाहुबली की शूटिंग करके आया है, बाहुबली 3 की शूटिंग करके आया, कुछ लड़ाई लड़ी होगी तभी इतना थका हुआ है सुबह। ये देखा आपने किसी ने कि कई बार फेस सुबह बहुत थका होता है, ऐसा नींद में क्या हो गया? सोने के इतने सारे आवर्स भी आपको रिलैक्स क्यों नहीं कर पाए? अच्छा एक बार बताने का प्रयास करना कि आप लोग कितने घंटे सोते हो, टेल मी ऑनेस्टली हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप इन द व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज, कैन यू टेल मी, राइट डाउन द आवर्स फॉर विच यू स्लीप। 6 आवर्स, 6 आवर्स, ओके, 8, 7, 8 घंटे वाले कौन से भाई, इतनी वे भी स्लीप, टाइम इतना फास्ट कैसे है इनके पास, कम 8 घंटे, वाह। अ हीलर स्लीप्स फॉर ओनली एंड ओनली 3 to 4 आवर्स, अ मेडिटेटर स्लीप्स फॉर ओनली 3 to 4 आवर्स। एक हीलर के लिए, साधक के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद बहुत होती है। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज योग निद्रा, एक प्रोसेस होती है जैसे हम कहते हैं योग निद्रा, ये हीलर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द स्लीप नॉट द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप। हीलर्स के पास एक हम प्रोसेस कई बार कराते हैं मॉर्निंग मेडिटेशन में, मैंने कई बार कराई है, यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, योग निद्रा, मेरे YouTube पे एक वीडियो मिलेगा आपको योग निद्रा नाम से। आप अगर योग निद्रा करते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है, यू स्लीप फॉर लेस आवर्स बट विद मोर इंटेंसिटी, विद इन 3 आवर्स वी टेक स्लीप फॉर 10 आवर्स। योग निद्रा करने से हम 3 घंटे की नींद में 10 घंटे या 12 घंटे का मजा लेते। और यदि आप योग निद्रा को और प्रैक्टिस कर लो तो आप 15 मिनट के अंदर स्लीप में आप 12 घंटे तक का मजा ले सकते, इफ यू ट्रेन योरसेल्फ मोर इन द योग। बिफोर गेटिंग इनटू हीलिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड स्लीपिंग फर्स्ट, देन अवेकनिंग विल बी देयर। पहले सोना सीख लो फिर जागना अपने आप आ जाए, ओके? तो सबके मुझसे पहले सोने की होती है सर, नींद नहीं आती, तो पहले नींद पे बात कर रहे हैं। अच्छा व्हाट इज स्लीप अकॉर्डिंग टू यू, आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मेरे पास में हो, व्हाट इज स्लीप, निद्रा होती क्या है? ये मत कहना जो रात को हम करते हैं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंसिंग होगी इसकी। अरे मजा बब बेटा, तुमने तो काम खराब कर दिया, मुझे अच्छी डेफिनेशन देनी है। अच्छा माइंड एंड बॉडी की रिकवरी, ठीक है ठीक है, रेस्टिंग स्टेट, रिज्यूवनेटिंग स्टेट, ओके।
रेस्टिंग ऑफ द इनर बॉडी, ओके, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ओके ओके ठीक है, एग्री, रेस्टिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, चलेगी डेफिनेशन कि बॉडी और माइंड का रिलैक्सेशन, ओके ओके। क्या आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं सोने के बाद? जब आप उठते हो तो आप रिलैक्स होते हो? मेरे कंधे में दर्द, मेरी नेक में दर्द, मेरी पीठ में दर्द होता है कभी कभी सो उठ के? नींद तो रिलैक्सेशन के लिए थी, ये उठने के बाद और पेन कहां से आ गए? ऐसा कैसे हो गया कि हम तो थे बट हमारे नींद ने तो हमें रिलैक्स नहीं करा? आफ्टर अ स्लीप, अ डीप स्लीप ऑफ 10 आवर्स, वी स्टिल हैव पेन ऑन अवर बॉडी। 10 घंटे की नींद ले ली, अभी भी बॉडी फ्रेश नहीं हुई, ऐसा कैसे? कभी सपनों को दोष, कभी बिस्तर को दोष, कभी एयर कंडीशन को, सब चीजों को दोष। और स्लीप तो हर कंडीशन में आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सोना किसी ने बताया नहीं कि सोते कैसे? ऑब्वियसली, ओके, लेट मी टेक इट दिस फर्दर। मैं इस बात को और आगे लेके चलता हूं, ध्यान सुनिएगा। व्हेन यू स्लीप, डज ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर स्लीपिंग विद यू एट द मोमेंट और इन द मोमेंट? जो आप सो रहे होते हो तो क्या आपका पूरा शरीर सो रहा होता है? नहीं। अगर आपका पूरा शरीर सो जाता है एक साथ तो आप फ्रेश फील करते हो। हमारी बॉडी किश्तों में सोती है, दिमाग सो गया, बॉडी नहीं सो पाई, बॉडी स्ट्रेस में होती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रात को कितने लोग अपना मोबाइल देखकर सोते हैं? How many of you watch mobile before they get into bed? ईमानदारी से बताना, majorly, majority of us, agree? It's a fact. Do you think when you are sleeping and you are sleeping with some pre-notion concept, pre-occupied concept, can you sleep well? अगर आपको सोने से पहले मैं कुछ विचार दिखाकर सुला रहा हूं तो क्या नींद प्रॉपरली आ रही है? योर बॉडी एंड माइंड आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन। इन योग निद्रा वी मेक ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी स्लीप एट वन टाइम। योग निद्रा में हम अपने शरीर के सभी अंगों को, सभी हिस्सों को, सभी एटम्स मॉलिक्यूल्स को एक ही बार में सुला देते हैं। दैट्स व्हाई द योग निद्रा इज मच मच बेटर देन नॉर्मल स्लीप। इसीलिए योग निद्रा नॉर्मल नींद से ज्यादा बेटर होती है। और ये आप सबने देखी हुई है योग निद्रा, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद योग निद्रा। इन महाभारत श्री कृष्ण हैज टॉट योग निद्रा टू अर्जुन। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग निद्रा सिखाई है और ये हमने शायद टीवी सीरियल में भी देखा है। अर्जुन का एक नाम आपको याद होगा, गुड़ाकेशी नाम था उसका नाम, पता है बात? अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेशी था। इस नाम के होने का कारण ही उसकी योग निद्रा थी। अर्जुन को कृष्ण ने इतना डिसिप्लिन सिखाया था नींद पर कि जब कृष्ण कहते थे उठ जा तो अर्जुन उठ जाता था और जब कृष्ण कहते थे सो जा तो सो जाता। अब चाहे वो 1 घंटे में उठा लें, चाहे आधे घंटे में, चाहे 6 घंटे, तो कृष्ण ने अर्जुन के कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों लेवल को एक्टिवेट करना सिखाया था उसको। योग निद्रा से आप अपने पूरे ब्रेन का यूज कर पाते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को पूरा टैप कर पाते हैं, पूरा यूज कर पाते हैं। राइट डाउन प्लीज। तो जितने भी हीलर्स हैं अपने पास में योग निद्रा की प्रैक्टिस करना,
यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाला हुआ है, बाकी मॉर्निंग मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम कराते रहते हैं इसको, ऑन एंड ऑफ हमारा चलता रहता है। नाइट मेडिटेशन में मैंने कई बार कराया आपको। जितने मेरे पुराने वाले बैठे हुए यहां पर, मेरे हर रेकी लेवल के बाद जब रिपीटेशन दोबारा होता है ना, तो कंटेंट कुछ नया मिलेगा। तो जितने मेरे रिपीटर्स बैठे हो ना, पुराना वाला कंटेंट शायद यहां नहीं मिल पाए, तो हर लेवल में नया कंटेंट मिलेगा। सो आपके पास लाइफ टाइम मेंबरशिप इसीलिए दी गई है क्योंकि एट एवरी लेवल यू विल हैव सम न्यू थिंग। सो पढ़ते रहना, समझते रहना, इसलिए लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। तो आज ये जो पॉइंट सीख रहे हो ना पुराने वाले सारे, योग निद्रा, इसे हाईलाइट करके मार्क करो। एवरीवन प्लीज मार्क योग निद्रा, सभी लोग अपने पास में मार्क कर ले योग निद्रा। योग मीन्स एडिशन, निद्रा मीन्स स्लीप। व्हेन यू आर स्लीपिंग विद डिवीजन, विद रिडक्शन, दैट्स नॉट अ हेल्दी स्लीप। व्हेन यू आर स्लीपिंग विद द एडिशन, दैट्स अ ब्यूटिफुल स्लीप। जब आप जुड़ते हुए सो रहे हो तो उसे योग कहते हैं, उसे योग निद्रा बोलते हैं। योग का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन किसका? मेरा, मेरे साथ। जो वर्ड योग होता है, जिसे हम इंग्लिश में योगा कह देते हैं, योगा, एक तो ऐसी तैसी मार दी है गई है अंग्रेजों के द्वारा, हर वर्ड में एक घुसा, रामा, गीता, शिवा, ये सब कुछ जो कर दिया है ना ऐसी तैसी करके, ये ए हटा देना पहले, इट्स योग नॉट योगा। योगा है पाखंड, योग है असली। शिवा का मतलब होता है पार्वती, शिव का मतलब होता है शिव जी। जब शिव के साथ आ लगा देते हैं तो हम पार्वती की बात कर रहे हैं, हम शिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितने मूर्ख लोग शिवा कहते हैं ना, वो एक्चुअली पार्वती की बात कर रहे होते हैं, और ये उन्हें खुद नहीं पता है। लिख लो, ये बता रहा हूं, ये कुछ इंग्लिश की ना बहुत बड़ी मूर्खताएं हैं, ये हर वर्ड के साथ एक घुसा देने की। आप में से कितने लोगों को पता है कि शिवा हम पार्वती को बोलते हैं? पता है, काफी सारे लोगों को पता होगा कि शिवा इज नॉट शिव, इट्स पार्वती। बेसिकली हम जब कृष्णा बोलते हैं तो हम फेमिनिन कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, हम जब कृष्ण बोल रहे हैं तो हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं। महाभारत में कई बार द्रौपदी को कृष्ण ने कृष्णा कह के संबोधित किया है, और कृष्ण ने कह के संबोधित किया है, अगर आपने सुना हो महाभारत तो, या आपने खुद भी सुना होगा इस बात को, बीआर चोपड़ा के उस टीवी सीरीज के अंदर भी यहां पर था कि कृष्ण ने और कृष्णा दोनों कह के संबोधित किया है। तो जब वर्ड ए लगा देते हो ना, दैट मीन्स फेमिनिन की साइड चले गए, लिख लेना प्लीज, काम आएगा। तो जो योगा कह देते हो, इट्स समथिंग डिफरेंट। योग जो है वो हमारा असली कर्तव्य है। योग मीन्स एडिशन। अब एडिशन किसका? मेरा, मुझसे। आई हैव टू बी अवेयर अबाउट माई सेल्फ। रेकी करने से पहले हमें ये योग सीखना पड़ता है, रेकी समझने से पहले हमें अपने से जुड़ना समझना पड़ता है। हम अपने से तो दूर घूम रहे होते हैं ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कितने लोगों ने क्लास से पहले कुछ मील खाया हुआ है, खाना खाया हुआ, मील खाया हुआ है, ठीक है, ओके, सबने भरपेट खाना खाया, वेरी गुड, शाबाश, पेट भरा हुआ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। खाना खाते हुए क्या कर रहे थे? केवल खाना खा रहे थे या कुछ देखते हुए खाना खा रहे थे, किसी से बात करते हुए खाना खा रहे थे, कि नहीं ख्यालों में खोए थे खाना खाते खाते? बहुत सिंपल सा प्रूफ बता रहा हूं आपको, क्या खाना खाते हुए आप पूरी तरह खाना खा रहे थे या आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे थे थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज, थ्रू वर्ड्स, थ्रू मोबाइल? क्या आप ये सब इंफॉर्मेशन बटोरते खाना खाते हो डेली? तो आपका सिस्टम अगर एंजाइटी भरा हो गया तो उसमें गलती क्या है? आपको अगर एंशियसनेस होनी शुरू हो गई लाइफ में तो गलती क्या है? खाना खाते हुए इंफॉर्मेशन, पानी पीते हुए इंफॉर्मेशन, कुछ भी करते हुए एक और इंफॉर्मेशन पैरेलल टू दैट। ध्यान से सुनना, हमारा शरीर एक बार में एक काम करता है, एग्री?
अब मैं थोड़ा मजाकिया एग्जाम्पल लेता हूं, माफ करना मुझे क्योंकि मैं ऐसा एग्जाम्पल लेके समझ। क्या हम पॉटी करते करते कुछ और काम कर सकते हैं? हम मोबाइल रीड कर लेते हैं, मुझे पता है, अखबार रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, मुझे पता है। क्या खड़े होकर कुछ कर सकते हो उसको? आई एम सॉरी टू से, हंसी आएगी ये सब सोच के भी। पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन सिस्टम किसी काम को एंगेज करने में लगा हुआ है। हमारी बॉडी बनाई ही ऐसी गई है वो एक बार में एक काम कर पाएगी ढंग से। मल्टीटास्किंग के लिए हमें अपने ऊपर रेगुलेशंस लगानी पड़ती है। एग्री? जब हम खाना खाते हुए एक ईटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर चुके हैं, हम यूजुअली, हम सभी, हम अपने माइंड सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं किसी और चीज में, टीवी देखते हुए, बात करते हुए, कुछ और इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब इससे क्या होता है, खाने पर से ध्यान हट गया। एग्री? कुछ लोगों को खाना खाते खाते न्यूज देखने की हैबिट होती है। हैव यू सीन सच पीपल? मे बी यू आर दैट। कई लोगों को खाना खाते खाते न्यूज देखने की हैबिट होती है। हो सकता है आप ही हो उनमें से, आप ही वो इंसान हो। अब आप बताओ, खाने खाते खाते अगर आप न्यूज देख रहे हो तो आपकी बॉडी में एंग्जाइटी जा रही है या नहीं जा रही? यू आर ईटिंग द एंग्जाइटी। आप लगातार एंग्जाइटी तो खा रहे हो, क्योंकि न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं वो तो आपको डेली पता ही है, उनका काम ही एंग्जाइटी पे चल रहा है। न्यूज चैनल को अगर आप 10 मिनट देखो तो क्या आपकी एंग्जाइटी हाई नहीं होती? और जबकि वो खबरें एक्चुअल भी नहीं होती बहुत बार तो। न्यूज चैनल्स की काफी खबरें रियल नहीं होती, ये किस किस को पता है? वो स्टूडियो में डेवलप करते हैं न्यूज को, क्रोमा स्क्रीन पे, ग्रीन स्क्रीन पे, टीवी रूम के अंदर सेटअप होता है पूरा, वो डेवलप करते हैं न्यूज को। अच्छा चलो और समझाता हूं। डिबेट देखिए, डिबेट चार लोग बिठाते हैं न्यूज रूम में, फिर उनसे कुछ पूछते हैं जिसका कोई रिजल्टेंट कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं होता, इररेलेवेंट बकवास। और हम खाना खाते खाते ऐसी बकवास देख रहे हो। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बकवास हम डेली डाल रहे हैं तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी खत्म करने का पहला नियम, एक बार में एक काम करें। हीलर बनने का पहला नियम, अपने पूरे दिमाग के साथ कोई एक काम करे। पिछले बैच वाले सुन चुके हैं, इस बैच वालों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी 2 मिनट के लिए पेन पेपर रोक देना, सुनना पहले, राइटिंग बाद में हो जाएगी, पहले पेन पेपर रोककर सुन लेना। हमारे कितने माइंड होते हैं, कितने ब्रेन होते हैं? एक ब्रेन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइंड। हमारा एक ब्रेन होता है वो यहां पर, हमारे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ माइंड होते हैं, क्योंकि हर सेल का अपना एक माइंड होता है। हर सेल का ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना एक माइंड होता है। एग्री? मन बहुत सारे होते हैं, मस्तिष्क एक ही होता है। हिंदी बोलता हूं, मेरा मन कर रहा है काम करने का, ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। मेरा मस्तिष्क कह रहा है काम करने का, ये एक रियल स्टेटमेंट है। अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, ये माइंड और ब्रेन का डिफरेंस समझ। हमारे हर सेल का एक माइंड है। एग्री? आपने कभी अपने बॉडी के सेल को कुछ सोचते देखा है? ब्रेन के अलावा कोई और सेल कुछ सोच रहा हो? आपने कभी अपने बॉडी के बाकी सेल्स को सोचते देखा है? यस, आपने देखा है। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, उसकी तरफ बिना फेस करे हुए, आपको बिना देखे वो आपकी बॉडी बता देती है कि सामने वाले का ऑरा है, साथ वाले का ऑरा अच्छा है, बुरा है। आपको अचानक से कंफर्ट या डिसकंफर्ट पता लगता है।
अच्छा रुको, मैं एक आइडिया देता हूं, सुन के देखना, अगर समझ में आए तो एग्री करना, नहीं तो मत करना। आपको मैं ब्लाइंड फोल्ड कर देता हूं, ठीक है? मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देता हूं, ढंग से आपकी आंखें बंद कर देता हूं हर तरीके से। अब मैं आपके पास आपकी लाइफ के दो फेवरेट व्यक्ति लाता हूं और मैं कहता हूं कि वो आपको टच करेंगे और एक बार आप उन्हें टच करोगे। क्या आपकी बॉडी चीख चीख कर आपको बताने देगी कि दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? आप किसे प्यार करते हो? आप जब उन्हें टच करोगे और वो जब आपको टच करेंगे, आपकी बॉडी का हर एक सेल बिना देखे आंखों के बता देगा कि उनमें से ज्यादा फ्रेंडली कौन है, ज्यादा कंफर्टेबल कौन है, ज्यादा डेंजरस कौन। डू यू नो दिस थिंग? ये होता है सबके साथ में कि आपकी बॉडी आपको वॉर्न कर देती है किसी के बारे में। आप मान लो किसी घर में सो रहे हो, ध्यान से सुनना, आप किसी घर में सोए, आपकी नींद बता देगी कि उस घर का ऑरा कैसा है। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो तो दैट मींस उसे आपके अकॉर्डिंग वो घर कंफर्टेबल। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, इंसान चाहे जितना ड्रामा करता रहे, वो घर अनकंफर्टेबल है आपके लिए। फैक्ट है। अब यहां पर आपकी आंखें काम नहीं आ रही, यहां की सेंसिंग काम आ रही है। जब भी कभी लाइफ में सेंसिंग करते हैं वो माइंड से होती है, जब भी कभी लाइफ में वॉचिंग करते हैं वो आंखों से होती है। तो हमारे सारे माइंड, राइट डाउन प्लीज, माइंड से हम सेंसिंग करते हैं, आईज से हम वॉचिंग या गेजिंग करते हैं। लिख लो, जिन्होंने एनएलपी पढ़ना है, हिप्नोसिस पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। माइंड आपकी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ब्रेन आपकी बॉडी में एक ही होता है। सभी माइंड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन एक कलेक्टिव डिसीजन लेता है। और कई बार तो हम अपने माइंड की सुनते ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम हम अपने माइंड की सुनते ही नहीं। अभी एग्जांपल देता हूं, सारे एग्री करोगे मुझसे। एक बहुत शरारती एग्जांपल है मेरे पास। बोलो एग्जांपल। आप में से किस किस की शादी हो चुकी है? आधे तो समझ चुके हो मैं क्या बोलने वाला हूं। किस किस को शादी से पहले पता था नहीं करनी चाहिए इस इंसान से? एक गट फीलिंग थी। बताना मत, बताना मत, बताना मत, बिल्कुल भी। वीडियो रिकॉर्डिंग पे हो, हम बता मत देना गलती से जी। किस किस को मन में बता दो, मैं तुम्हारे माइंड रीड कर लूंगा। चलो कोई बात नहीं, मन में सोच के देखना कि तुम्हें पहले ही पता था कि ये क्या है, ये माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ क्या होने वाला है। पता था सबको कि किस किस मौत के तांडव में उंगली कर रखी है हमने सबको होता था। आपको जो इंफॉर्मेशन थी वो कहां से मिल रही थी? ब्रेन से? कभी भी नहीं, माइंड से। आपके बॉडी के सेल्स ऑरा को सेंस कर लेते हैं, ये जो सेंसिंग होती है। अच्छा आप कहीं गए, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, ये ब्रेन बताता आपका? कभी भी नहीं, ये माइंड बताते हैं आपके। आप अगर कहीं पर नेगेटिव जगह पे खड़े हो जाओ और अपने दोनों हैंड्स को स्पैन करना शुरू करो, फैलाना शुरू करो ऐसे करके आसपास, जिस भी जगह नेगेटिव एनर्जी होगी आपके हाथों में अजीब सी वाइब्रेशन होगी। इसे हम हैंड स्कैनिंग कहते हैं। हीलिंग करते हैं, ऑरा स्कैनिंग करते हैं, बॉडी के आसपास अपना हाथ लाते हैं, ऑरा देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं बाय द हैंड्स। वहां अपना ब्रेन तो निलाते ऐसे करते हुए, किस सर को पास को ला रहे हो, उसके क्लाइंट के पास अपना सर लेके जा रहे हो, वहां हैंड्स क्यों ला रहे हो? लॉजिक, सिंपल सी बात।
अगर हमारी सारी की सारी सेंसिंग यहां से होती तो अपना सिर नहीं लगाते हर जगह पे हम खाना हाथ से क्यों खाते? हम तो खाना डायरेक्टली मुंह से खा लेते ना, हाथ सेंस करते हैं खाने को। और आप में से जो सेंसिटिव लोग हैं उन्हें पता होगा कि वो हर इंसान का बनाया खाना नहीं खा पाते। एग्री, मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग ना, कि आप हर किसी का बनाया खाना नहीं खा पाते अगर इंसान की नेगेटिव सोच है खाना बनाते हुए आपसे खाना खाया नहीं जाएगा। मैक्सिमम लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, और इवन खाना ही नहीं खा पाते, खाने में से बड़ी अजीब सी महक आती है। मैं तो नहीं खा पाता हर किसी हाथों खाना। अब ये सेंसिंग कौन कर रहा है? ब्रेन? ये माइंड का खेल है सारा। सो हमारे हर सेल के अंदर माइंड होता है। अब ध्यान से सुनना आगे का स्टेटमेंट, हम अपने सारे माइंड्स को एक साथ अलाइन कर सकते हैं क्या, कि हर माइंड एक ही सोच को सोचे? नहीं हो पाता। हमारे सारे माइंड या हमारे सारे मन एक साथ अलाइन हो सकते हैं? नहीं, वो भटकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है 11th क्लास में या 12th क्लास में? एक मिनट, आई नीड टू सी योर हैंड्स। हाँ, एक अपने हाथों अभी रेज रखना, मैं एक बार जानना चाहूंगा क्योंकि ये लोग मुझे कुछ हेल्प करेंगे अभी आगे पढ़ने। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो सबको पता होगा लगभग, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो मतलब इनको क्या स्पेशली पता है। अब ये स्पेशल बात है कि इलेक्ट्रॉन्स एक डोमेन में रहते हैं, डोमेन चार्ज पार्टिकल का एक डोमेन होता है। अब उस डोमेन के अंदर उनका अलाइनमेंट ऑफ होता है। जब हम पार्टिकल को बोलते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल है तो उसका डोमेन अलाइन हो जाता है। जब कोई नॉन मैग्नेटिक होता है तो डोमेन नॉन अलाइन होते हैं। इसका मतलब क्या है, सभी के लिए नरेट करता हूं। मान लो मेरे कमरे के अंदर 100 लोग खड़े हों और 100 लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे, तो कमरे के अंदर भगदड़ मच जाएगी। कमरे के अंदर एक ही डायरेक्शन में जाते हुए 100 लोग हो जाएंगे तो कमरे में भगदड़, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। आपके शरीर के अंदर जितने माइंड्स हैं वो जब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो इसे कहते हैं एंग्जाइटी। आपके शरीर के सभी माइंड जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं साधना, तप, तपस्या, ध्यान। अपने डोमेन्स के अंदर के अपने पार्टिकल्स को अलाइन कर लेना ही साधना कहलाती है। और जिसने अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन्स के सारे ही पार्टिकल्स को एक अलाइन में कर लिया हो और तपस्या कर रहा हो उसे महादेव कहते हैं। जिसका पूरी तरह से अपने कण कण पे कंट्रोल है उसे महादेव कहते हैं। सोच के देख लो, अगला मेडिटेशन कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, ऐसा नहीं गोवा पे कर रहा है, कैलाश पे कर रहा है। और मेडिटेशन से आपके डोमेन्स जो हैं अलाइनमेंट में आते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जितनी पीसफुल स्टेट है वो मेडिटेशन के बाद ही मिलती है, क्योंकि आपका सारा माइंडेडनेस अलाइन हो जाता है, आपके सारे माइंड्स अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन के बाद अच्छा फील। और सेम काम होता है हीलिंग के बाद। हम जब किसी की बॉडी में हीलिंग देते हैं तो अलाइनमेंट कर देते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि सर कैंसर की हीलिंग कैसे करते हो? एज सिंपल एज दैट, हम उनकी बॉडी के अंदर डोमेन्स को अलाइन करते हैं। मैं फिर से बोल, कैंसर की हीलिंग करते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि उनके जो सेल्स डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, वो कैंसर काम कर रहे हैं, हम उनको एक सी मूवमेंट देना शुरू कर देते हैं बार बार। अब सेल जब एक सी मूवमेंट देना शुरू कर देंगे तो सेल अलाइन हो जाएंगे, और जब सेल अलाइन हो जाएंगे तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी, बॉडी पर से कैंसर का इंपैक्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अब मान लीजिए कि दूसरे इवेंट के बारे में बताता हूं। आपकी मैरिज फेल हो रही थी,
क्योंकि किसी और के माइंड कहीं और जा रहे थे, किसी और के माइंड कहीं और जा रहे थे। हमने इनकी मैरिज की हीलिंग करी, दोनों का अलाइनमेंट हो गया। बोलते हैं ना अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, वो बेसिकली अलाइनमेंट किसे कहते हैं, एनर्जी डोमेन्स को हमने एनर्जी से अलाइन कर। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा था, या मान लो बच्चे को ऑटिज्म था, डिसलेक्सिया था, तो जो सेल्स थे उसकी बॉडी में एनर्जी सेल्स, वो डी अलाइन थे। आपने कहा कि घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष में क्या होता है, घर के जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो डी अलाइन होते हैं, एनर्जी डालने से उन्हें अलाइन कर दिया। तो हीलिंग से रेमेडी कैसे होती है, क्योंकि हीलिंग क्या करती है, अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलाइनमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, अलाइनमेंट ऑफ माइंड फर्स्ट। तो लोग कहते हैं कई बार मेरे से कहते हैं कि सर हीलिंग डालने से तलाक भी बच जाता है, हीलिंग डालने से कैंसर भी दूर होता है, ये तो हीलिंग चमत्कारी हो गई। हीलिंग कुछ चमत्कार नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है कि हीलिंग आपके माइंड को अलाइन करती है। बाकी काम आपका माइंड ही करता है, बाकी काम आपकी बॉडी करती है। हीलर ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता कि बाहर से कुछ ऊर्जा डाल रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, अलाइनमेंट करता है। पैदा हुए थे अलाइंड थे, बड़े हो गए डिसअलाइन हो गए, हमने हीलिंग डाल के फिर से अलाइन कर दिया, बंदे को मजा आ गया। कहता सर आपके पास मैजिक है, अरे धेले का कद्दू का मैजिक है मेरे पास, मैं तो अलाइनमेंट जानता हूं बस। और अब इंपॉर्टेंट बात, अलाइनमेंट करने के लिए पहले हीलिंग जरूरी है, मेडिटेशन, मेडिटेशन। सो पहले अलाइनमेंट होता है मेडिटेशन से, उसके बाद अलाइनमेंट होता है हीलिंग से। क्योंकि आप अलाइनमेंट के लिए ओपन किससे होते हो, मेडिटेशन के थ्रू। यू बिकम ओपन फॉर द अलाइनमेंट बाय व्हाट प्रोसेस, मेडिटेशन इटसेल्फ। ओपन किससे होता है वैसल, मेडिटेशन से। अलाइन कौन करता है, एनर्जी। ये कॉम्बो चलता है हमेशा, ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल, समझ में आई मेरी बात। अब मैं आपको कहूं कि सर आपकी 7.5 चल रही है, आपको बीच की उंगली में, मतलब मैं दिखा नहीं सकता सॉरी, सिंगल फिंगर फॉर ऑब्वियस रीजंस, आपको बीच की फिंगर में, सैटर्न फिंगर के अंदर, राइट हैंड की सैटर्न में घोड़े की नाल पहननी, या घोड़े की नाल की बनी अंगूठी पहननी। कहते हैं शनि की 7.5 में ऐसे कहते हैं, यही रेमेडी कहते हैं। शनि एक स्लो ग्रह, घोड़े की नाल लगातार फास्ट मूवमेंट वाली चीज। हम शनि को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए या उसे फास्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज की रेमेडी पहना देते हैं जो कि सुपर फास्ट हो। तो दौड़ते हुए घोड़े की नाल निकाली जाती है और उसकी अंगूठी बनाई जाती है, जो आपको शनि वाली फिंगर में पहना देते हैं। ये फिंगर, इसमें जो आपके नर्व्स होती हैं, ये आपको स्लो डाउन करती हैं। अगर आप घोड़े की नाल की अंगूठी ना पहनो और इस फिंगर की प्रॉपरली मसाज कर लो, तो भी वही इफेक्ट होगा। ये एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट। उंगली यही है सेंटर फिंगर, जिससे आपका स्लोनेस, आपका जो जितना भी आपका ये लाइफ में डिसीजन ना लेने की पावर होती है, वो किस फिंगर पे डिपेंडेंट होती है, मिडिल फिंगर पे। अब चाहे घोड़े की नाल फंसा लो, चाहे इसे खुद दबा लो, चाहे इसकी हीलिंग कर दो, इसमें दो मैग्नेट फंसा दो, छल्ले वाली मैग्नेट लाके इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते रहो, एक्टिवेट कर रहे हो बेसिकली अपने यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को, अलाइनमेंट कर रहे हो माइंड्स का। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तरीके बहुत सारे सुने होंगे, रेमेडीज बहुत सारी सुनी होंगी, मैं उन रेमेडीज का डाइसेक्शन बता रहा हूं। रेमेडियल डाइसेक्शन अगर समझ लोगे, सब रेमेडीज एक ही जगह आती करती। अब लोग पूछते हैं कि सर आपने तो हमें हर बात का सोल्यूशन मेडिटेशन बता रखा, पहले वाले बाबा अच्छे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी मिडिल फिंगर में पहन नीलम, पहली पहनो पुखराज, आखिरी पहनो पन्ना। देखो इसे कहते हैं रेमेडी, आप तो कहते हो हर हर चीज का सॉल्यूशन मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास, तो फिर मैं कहता हूं बिल्कुल जैसा कि उन बाबा ने बताया था, ऐसे ही मैं आपको लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए कुछ अंगूठियां दूंगा, फिर अब हमारे ऊपर हम कितना काटना चाहते हैं ऐसे क्लाइंट को, इस मूर्ख को। पर बेसिक रेमेडीज जो होती है मेडिटेशन से होती है।
5 रुपए की रेमेडी भी नहीं है ये। अगर ये मेडिटेशन कर ले तो इसके अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाएंगे, डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे, कोई प्लेनेटरी डिस्टर्बेंस इसको फेस ही नहीं करता। बट ये बात सुनने में ना बहुत इजी लगती है, और लोगों को लगता है इजी रेमेडी से कुछ होता भी होगा। ये कह रहा है मेडिटेशन से सब कुछ होता है, ऐसा थोड़ी होता होगा। शनि है, बिना दान के बिना अंगूठी पहने ऐसा थोड़ी साइलेंस हो जाएगा। क्लाइंट आता मेरे पास ये सब बोलता हुआ, ना कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, जाप करवाना है सैटर्न का, 2 लाख रुपए लगेंगे। कहता हाँ ये ऐसा कुछ कराओ, ये इसे कहते हैं रेमेडी। अब इसे 2 लाख रुपए खर्च करके मजा आएगा, मैं नॉर्मल मुफ्त की रेमेडी दे रहा था इसे, इसे हजम नहीं हुई, क्योंकि इसके दिमाग में ये बसा हुआ है कि रेमेडी बिना पैसे की नहीं होती। तो अब मैं इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करा लूंगा। अब तू चल रेमेडी की तरफ, अब देख तू हर महीने की रेमेडी कराऊंगा तुझसे, वो भी 2-2 लाख की, जब तक तो खुद नहीं कहेगा ना मेरा सारा का सारा अकाउंट खत्म हो गया। कर तू रेमेडी, जितनी करनी है उतनी कर। बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे सेलेब्स आते हैं, सर डोंट यू हैव द रेमेडी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स? यस आई डू हैव, कैन यू अफोर्ड इट? कहता हो सर व्हाई नॉट, आई कैन अफोर्ड एनीथिंग, नाउ यू कम टू मी। दे हैव एटीट्यूड, उनका अपना एटीट्यूड होता है, भाई ठीक है बेटा तो लुट रहा है ना, आ जा। ऐसे भी आते हैं। अब उन्हें अगर आप हमने ईमानदारी वाली रेमेडी बताई, उन्हें हजम नहीं, उन्हें वो रेमेडी बतानी पड़ती है जो उन्हें हजम होती। अब मैं करूंगा कि एक कार्यक्रम कि तुम्हारे घर पे विष्णु की एक 9 फुट की पूरी प्रतिमा होनी चाहिए जो कि अष्ट धातु से बनी होगी, और उसे तुम दक्षिणी मुख करके रखोगे गेट के पास। मूर्ख आदमी, अव्वल दर्जे का मूर्ख है, विष्णु सहस्रनाम का जाप कर ले, घर में सारे रेमेडी हो जाती है, पर इसे वो रेमेडी बर्दाश्त। मूर्ति बनेगी 4-5 लाख की, प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं पंडित जी लेंगे कम से कम 2-3 लाख। जब ये पूरी तरह कटेगा तब इसे सॉल्यूशन मिलेगा। क्लाइंट ऐसे भी आते, ओपनली बता रहा हूं, वीडियो में बता रहा हूं, और इसे अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको जिसको दिख रहा हो तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तुम्हारी बैंड बजा चुका है तुम्हारा पंडित, मजे करना। पीपल डोंट बिलीव इन कार्मिक रेमेडीज, दे ओनली बिलीव और कर दे, हमें तो मजे आने चाहिए। आप हमें बताओ पत्थर कौन सा पहनना है, ये भी इनका प्रोजेक्शन होता है। नो डाउट पत्थर पहनना भी किसी जगह पर जरूरी है, पर बिना कर्म के पत्थर पहनने पर क्या बिगाड़ लोगे? अपना फील्ड थोड़ी चेंज कर लोगे। और एक बात बताता हूं आपको, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मैं भी करता हूं, मैक्सिमम लोगों ने गलत नग पहने होते हैं, मैक्सिमम लोगों ने, मैंने जितने भी लोगों के हाथ देखे हैं ना, तो मैक्सिमम को पता कि उनकी बॉडी में रत्ती कितनी होनी चाहिए, कितना वेट का नग होना चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन पहनना चाहिए, बस पंडित जी ने कहा था हमने पहन लिया। आज सुबह किसी ने पता नहीं मार्स, उसके प्लेनेट उसके चार्ट में मार्स बहुत स्ट्रांग था, और उसने पता नहीं कोई मार्स की रेमेडी कर रखी है। कहता है सर मेरे को तभी तो समझ में नहीं आया कि मेरा तलाक क्यों हो गया, मैं लड़ ही जा रहा हूं बीवी से। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेडिटेशन एंड हीलिंग कैन सॉल्व एनीथिंग। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट द एनर्जी, देन यू नीड एम्पलीफायर्स लाइक क्रिस्टल, लाइक स्टोन, लाइक एनीथिंग। आप जब कहीं काम कर रहे हो, आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना ध्यान बहुत काफी होता है किसी काम को करने के लिए। एम्पलीफायर्स की जरूरत हमें तब पड़ती है, जेम्स की, स्टोन्स की, क्रिस्टल की जरूरत तब पड़ती है जब हम एक लेवल तक काम कर चुके हैं और रिजल्ट ना आ रहा, एम्पलीफायर तब डाले जाते। पहले ही स्टेप पर एम्पलीफायर नहीं डाला जाता, नेवर यूज एम्पलीफायर्स एट स्टेप वन, लिख लो। जितने भी रीडर्स और हीलर्स हो लिख लो इस चीज। और बेसिक रेमेडी होती है मंत्र से, तप से, मंत्र से, ध्यान से।
अब सुनो नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। एक हीलर को अपने माइंड्स को कंट्रोल कराना चाहिए। हीलर शुड नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द बॉडी। एटलीस्ट मैक्सिमम माइंड्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। आप एक बहुत स्ट्रांग हीलर हो मान लो, और कोई इंसान आया और आपको कंफ्यूज करके चला गया, मैनिपुलेट कर गया, और आप कहते हो मैं बहुत स्ट्रांग हीलर और मैनिपुलेटर हूं या मेडिटेटर हूं। कद्दू मेडिटेटर हो तुम, कद्दू समझते हो, कद्दू पंपकिन। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे आपको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। देखो हम हमें इन्फ्लुएंस वो करे जो हमारी फैमिली है, तो ये बहुत आसान है। हमारी फैमिली हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे अपने हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, बट उसके अलावा कोई और आपको इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट कर रहा है, दैट मीन्स उसे आपके माइंड में अभी भी अलाइनमेंट ऑफ। मान लो आप कहते हो कि हमारी फैमिली को किसी की नजर लग गई, किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, बाधा डाल। होता है ऐसे केसेस तो होंगे मेरे ख्याल से, यहां पर कई लोग होंगे जिनकी फैमिलीज में नजर लगने का केस बहुत होता होगा, कि नजर लगती है, टोक लगती है, बाधा लगती है, और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी होगा कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया। अगर जिस इंसान के बॉडी में कहने को ब्लैक मैजिक है या कोई एनर्जी है, और उसे हम ये डिसिप्लिन सिखाते, क्या उसको कोई एनर्जी इंपैक्ट कर पाएगी? ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, मजेंटा, टर्कोइज ब्लू, फूशिया ग्रीन, फूशिया पिंक, कहीं कोई एनर्जी उसे डिस्टर्ब कर पाएगी? पॉसिबल नहीं है। आपके माइंड्स में और आपके ब्रेन में यदि कॉन्टैक्ट लेसनेस है, कॉन्टैक्ट नहीं हो एस्टेब्लिश हो पा रहा, तो डेफिनेटली कोई भी इनसे प्ले कर सकता है। मैं दिन में 10 बार अगर आपसे बोल दूं ना कि आपके कंधे के ऊपर कोई काली सी चीज बैठी, ऊर्जा है, तो आप शाम तक मान लोगे आपके कंधे के ऊपर कोई बैठा हुआ। माइंड को और ब्रेन को करप्ट करना इतना आसान और इतना मुश्किल है, सिर्फ कि लगातार एक थॉट को बार बार बोलते रहो जब तक कोई इंसान उस थॉट को मानना शुरू नहीं करे। ब्रेन को मैनिपुलेट करने का, माइंड को मैनिपुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सुबह, दोपहर, शाम, जब इंसान अवेलेबल हो उसको एक विचार डालते जाओ, उसको बार बार उस विचार से के साथ प्रेजेंटेशन दें, और जब तक वो मान ना ले तब तक उस विचार को प्रेजेंट करते जाओ। मैनिपुलेशन समझे, ये एनएलपी पढ़ा रहा हूं इसको, हिप्नोसिस एनएलपी और साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। अब चलो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। जब भी कभी आप टीवी ओपन करते हो और आपने ओपन किया नेटफ्लिक्स या कुछ भी जो भी आप पसंद करते हो, वहां पर एक पर्टिकुलर एड डिस्प्ले हो रहा होता है, एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, आपको पता नहीं है बट वो कंपनी आपके सबकॉन्शियस के अंदर घुस चुकी है। आप जब मार्केट में वो प्रोडक्ट लेने जाओगे या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे, आप अचानक से उस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करोगे, और चाहते या ना चाहते आप उसे उठा लोगे, क्योंकि आपके माइंड ने उस प्रोडक्ट को 1000 बार देखा। आपका ब्रेन वाकिफ नहीं है बट आपके माइंड्स वाकिफ हैं उससे। अगर आप मेरे साथ रहते हो, मैं सुबह दोपहर शाम एक थॉट को लगातार आपको बम्बार्ड करूं, लगातार बम्बार्डिंग करता जाऊं, आपका ब्रेन उस फैक्ट को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। एग्री? इसे कहते हैं आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ऐसे लोगों से दूर रहना। जो ये काम कर रहे हो, चाहे परिवार के अंदर कर रहे हो, शन देम अप, शट देम अप, इनको दूर करो या खुद दूर हो जाओ इनसे, और ये कान में हेडफोन लगा लो। बड़े बढ़िया आजकल हेडफोन आ रहे हैं मार्केट, नॉइस कैंसिलेशन वाले आ रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया वाले, क्योंकि हर किसी को चुप नहीं कर सकते ना, अपने आप को चुप कराना आसान है। आप कोई काम कर रहे थे, आपने बार बार उस काम का प्रयास करा, वो काम सफलतापूर्वक हो ही नहीं रहा, सफलता आ ही नहीं रही। आप अपने सारे माइंड्स को अगर अलाइन कर देते और एक बार में अफर्मेशन बना लेते, उस काम का रिजल्टेंट 100% पॉजिटिव होता ही होता।
बट आपने जब भी ट्राई किया आपने हाफ हार्टेड ट्राई किया। अब आप कहते हो सर ये काम तो मेरे लिए सूटेबल है ही नहीं, क्या आपने पूरी तरह से उस काम को एक बार भी किया? या चलो उस काम को छोड़ो, क्या आप अपनी लाइफ में कोई भी काम को करते हुए पूरी तरह करते हो? एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से बहुत मजा आएगा। मेरे पास एक प्रोसेस है सुबह की मॉर्निंग मेडिटेशन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मैं सुबह सुबह 5 से 6 बजे इनकी जिंदगी को झंड करने आता इनके अनुसार, क्योंकि वहां पर मैं ना कमांड देता हूं सीधे बैठने की, सांस लेने की, धीरे धीरे सांस लेने की, सांसों की आवाज कानों तक ना जाए ये भी, और ये भी कहता हूं कि खुजली भी नहीं करनी, पैर में दर्द है तो पैर भी मूव नहीं करना, पूरा डिसिप्लिन महादेव वाला। अब इन्हें डिसिप्लिन में रहने की आदत, मैंने कहा सीधे बैठना है, अब होगी खुजली शुरू। दिन भर पूरे दिन में बॉडी में इतनी खुजली नहीं होती जितनी मेडिटेशन में स्क्रैच कूपन बन जाते हैं, स्क्रैच करो और जीतो, हर जगह खुजली कर रहे हैं। इनसे पूरे दिन में अगर आप इनका आउटपुट लो ना खुजली करने का, तो इतना नहीं होगा जितना मेरे मेडिटेशन में होता। क्यों? क्योंकि माइंड को ऑर्डर लेने की हैबिट ही नहीं है। किसी ने कह दिया तुम्हें सीधा बैठना है, तुम्हारा माइंड कह रहा है कि हमें तो नहीं बैठना, इतनी देर कैसे बैठेंगे, हम तो थक जाएंगे, हमारे साथ ही हो जाएगा। तो माइंड आर्ग्यू करता है, माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, हर माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इनका पैर सो गया है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि पैर सोया नहीं है, माइंड जो उधर का है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। अगर पैर सो गया हो ना, आप 2 मिनट के लिए वहां से अपना ध्यान हटा लो, पैर अपना खुल जाएगा। मैं ट्रिक कहां से लाया मैं बताता हूं। कई साल पहले मुझे हाफ बॉडी पैरालिसिस था, राइट साइड वाली बॉडी में पैरालाइज था मैं, और पेन होता था स्ट्रिप डिस्क का एक्सक्रूसिएटिंग पेन। तो पेन ऐसा था कि आप कुछ भी कर लो पेन शांत नहीं। तो मैं क्या करता था, मैंने टेक्निक अडेप्ट की थी कि मैं पेन के ऊपर फोकस ही नहीं करता था, मैं कुछ और काम कर रहा हूं। पहले दिन पेन 8 घंटे रहा, अगले दिन रिड्यूस हो गया 4 घंटे, फिर रिड्यूस हो गया 2 घंटे। पेन का जो सेंसिटिविटी था वो टूटना शुरू हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने पेन को इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी, और थोड़े टाइम के बाद पेन होना ही बंद हो गया। बॉडी इफेक्ट दिखा रही है बट बॉडी में पेन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पेन में और अपने दिमाग के अंदर बफर क्रिएट कर दिया। आपकी बॉडी आपके माइंड की सुनती है 100%, पर कब? जब माइंड बार बार किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ। अगर आपका माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया है बार बार, तो आपके दिमाग में वो चीज धर कर जाती है। आज से अपने माइंड्स को ट्रेन करना शुरू करेंगे, स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफ माइंड। कैसे? एक बार में एक काम करने की हैबिट डालिए शुरुआत, आगे मल्टीटास्किंग सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, पर पहले एक छोटे बच्चे की तरह से एक बार में एक काम करना है। जैसे हम इस मीटिंग में बैठे हैं, अभी कई लोगों का ध्यान इस मीटिंग के अलावा कई जगह होगा, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बॉस पागल हो गया है, पत्नी बावली लग रही है, पति पागल हो गया, सब दिख रहा है इन्हें, सिवाय इस क्लास के इन्हें सब कुछ दिख रहा है, ऐसा होता है। बट अगर आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है तो आप फोकस कैसे कर पाएंगे? टेक्निक अगर ये अडेप्ट करोगे ना, तो इससे क्या होता है, हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, कई बार एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन चल रहा होता है, तो कहीं बाहर घूम रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन चलता ही चला गया, फ्रेंड्स खड़े हैं, बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, कभी कभी कोई इंसान एक पॉइंट बड़ा वैलिड बोलता है। अब जब 50 लोग बैठे हों, वो एक इंसान वैलिड पॉइंट बोल रहा हो, 49 पीपल इनवैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, तो आपके कान, क्योंकि 49 लोग भी बोल रहे हैं, उस एक इंसान तक नहीं पहुंच पा, एग्री? बट जब आपको फोकस करने की हैबिट होती है ना, तो आप सिर्फ उस एक इंसान की बात सुनोगे, वो 49 सेंटेंसेस नहीं सुनेंगे। दिस इज नोन एज कंट्रोल। आप अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हो कि मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना।
कचरा मेरे दिमाग में नहीं आएगा, मेरे दिमाग में कंटेंट आएगा कि मुझे 10 लोग कुछ बोल रहे हैं ना, तो मुझे किसकी आवाज सुननी। दुनिया में हजारों आवाजें आती हैं, मुझे महादेव की सुननी है और मैं उन्हीं की सुनता हूं। हजारों सलाह मिलती हैं, हजारों सॉल्यूशन मिलते हैं, कितने ही लोग कितनी बातें करते जाते हैं। अब इसमें से मैं कैसे उसकी आवाज निकालूं जो वो कह रहा है, इसे ही साधना कहते हैं। और जब हम उस आवाज को पकड़ना सीख जाते हैं जो हमारे तक हर वक्त आ रही है, देन इट इज नोन एज फोकस। इसे फोकस करते हैं। आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग कर दीजिए, आपकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड कर दीजिए कि आप एक बार में एक ही काम पे फोकस करें। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका फोकस मल्टीटास्किंग भी हो सकता है कि आप एक बार में 10 काम कर सकते हैं, बट जब आपको उसमें से स्टेप करना होगा कि किसी एक काम पर स्विच कर जाएं, तो आप प्रिसाइजली एक काम कर लेंगे बेनिफिट। 10 काम विद द हाफ अप्रोच बट 1 थिंग विद द फुल अप्रोच, ये भी सीखना पड़ता है सोसाइटी में। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, ये भी ट्रिक होती है। एक पुराना सेंटेंस क्या था कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट आजकल क्या है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। ये भी टेक्निक हमें सीखनी पड़ती है कि यू नीड टू डेवलप दिस स्किल, कि आपको स्विच करना आना चाहिए, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे। अपना पोटेंशियल बढ़ता है इससे, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन। आपके पास में मान लो घर के अंदर 4 अनवांटेड लोग रहते हैं जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ फालतू की बातें करते नजर, जो टाइम वेस्ट करते हैं। यूजुअली हमारा ध्यान इन्हीं 4 फालतू लोगों पे जाता है, एग्री? जो सबसे इररेलेवेंट डाटा होता है, हमारा पूरा ध्यान इस इररेलेवेंट डाटा पे जाता है। हम इतने पागल कैसे हो गए कि हमारा दिमाग, अच्छा खासा दिमाग, रेलिवेंट में जा सकता है ना, कि आप रेलिवेंट डाटा को देखते, रेलिवेंट लोगों को देखते, उनकी बात सुनते, आप हर वक्त इररेलेवेंट को भी सुन रहे हो, आपका फोकस इररेलेवेंट पे भी जा रहा है। बिकॉज आपका फोकस बना ही ऐसा है कि जहां बहुत ज्यादा मसाला होता है वहीं जाता है, जहां ज्यादा पिंचिंग होती है वहीं जाता है। अब आप फोकस करके इसे शिफ्ट कर सकते हो, अच्छी बातें भी दुनिया में। अगर आपने फोकस करके अच्छी बातों की तरफ एनर्जी कर ली, नहीं तो फिर ADHD, डिसलेक्सिया, क्या कहते हैं आजकल, वो कौन सा क्या चल रहा है, प्रोकास्टिनेटर, और वो एंग्जाइटी, सब चल रहा है मार्केट में। एक बार में 10 जगह तो ध्यान जाएगा तो एंग्शियस ही कहेंगे उस माइंड को। अपने हर एक काम करते हो पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर हीलिंग करनी है तो हीलिंग कर। मुझे पता है कई लोगों के मतलब का नहीं है, कई लोग तुझे नहीं पता हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, बट एक बार में जब मैं एक ही काम कर रहा हूं, देन इट विल हैव अ पीक इफेक्ट। मैंने अपने एक स्टूडेंट को इसके बारे में एक थ्योरी पे काम करने को दिया कि हम जब एक बार में एक काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। मैंने उसे कहा कि तू एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है मुझसे, तू लोगों को रेमेडी देगा, 2 रेमेडी देगा सिर्फ, पर जब तू 2 रेमेडी दे रहा होगा ना, तो तेरा माइंड कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप मेरे पास में आए कि आपने कहा कि शनि की 7:30 चल रही है, तो मैं आपको घोड़े की नाल का छल्ला बोलूंगा एज रेमेडी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता है। अब मैंने आपको बोला कि आप मेरे पास आए, 7:30 का इम्पैक्ट है, रेमेडी दो, मैंने कहा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करके डेली के डेली केवल 10 मिनट बैठा, अब ये तो शनि की रेमेडी नहीं है। बट जब हम इस रेमेडी को देते वक्त 100% फोकस हो जाते हैं ना, तो शनि की रेमेडी बन जाती है। ये शनि की रेमेडी थी नहीं, आपने इसे शनि की रेमेडी बना दिया, और इस रेमेडी को अब जो भी कोई करेगा ये शनि की रेमेडी बन चुकी है। क्यों? किसी इंसान ने हाइएस्ट एनर्जी के साथ इसे प्रोजेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल लेता हूं और समझोगे इस बात को। महाभारत देखा सबने, बीआर चोपड़ा वाला, वो नया कार्टून वाला नहीं, बीआर चोपड़ा वाला जो थोड़ा ऑथेंटिक भी था। आपने एक किस्सा सुना होगा उसमें कि
हमारे पास में एक करेक्टर था अश्वत्थामा, उसने घास के तिनके को अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र बना दिया, याद है? अर्जुन ने और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था एक दूसरे के ऊपर, बीच में ऋषि व्यास आ गए थे और उन्होंने कहा था अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। तो अश्वत्थामा ने कहा था कि मैं ब्रह्मास्त्र को दिशा मोड़ना जानता हूं, वापस लेना नहीं जानता। ये एपिसोड सबने देखा होगा। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है यहां पर, एक टॉपिक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप किसी भी चीज को किसी भी बड़े से बड़े वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इफ यू हैव स्किल। आपका फोकस अगर हो गया तो यू कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स इनटू एनीथिंग इफ यू आर फोकस्ड। अगर फोकस नहीं है तो आपके हाथ में मैं बेहतरीन औजार भी दे दूं, आप काम की मामी चाची कर दोगे, और मामी चाची ही नहीं, मामी चाची और बुआ जी तीनों एक कर दोगे। आपने देखा ना कई लोगों के हाथ में आपने बेहतरीन से बेहतरीन क्विजींस के सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए, बेस्ट किचन दे दिया, पर जो खाना निकल के आया ना, ओहो, थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी खाना अच्छा मिलता होगा उस जो होगी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से भी गया गुजरा खाना मिलता है वहां पे। इंग्रेडिएंट कैसा भी हो, प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्रोजेक्शन करते हो? हीलर की सारी पावर उसके इंटेंसिटी में नहीं होती, इंटेंशन और प्रोजेक्शन में होती है। दो वर्ड लिखिए, इंटेंशन और प्रोजेक्शन। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको, चाहे पिछले वाले बैच वालों को मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, तुम्हें और मजा आ रहा होगा। 1+1 इफेक्ट मिल रहा है तुम्हें, हाँ, तुम लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते रहो, पूरे मजे ले रहे हैं, खुश हो गए, हमें आ रहा है स्वाद। ओके इंटेंशन और प्रोजेक्शन, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की ना तो इंटेंशन सही होती ना प्रोजेक्शन सही होता, मैक्सिमम टाइम गलत जगह प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एनर्जी को, मैक्सिमम टाइम इंटेंट गलत चीज पे कर रहे होते हैं। आप अगर अपने यहां पर घर के अंदर का माहौल का एग्जाम्पल लेता हूं फिर से, कई बार घर में आप ऐसी एनर्जी के साथ में रहते हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, आपको उस एनर्जी पर फोकस करना चाहिए या उस एनर्जी पर जो फेवरेबल है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव तरीका तो यही कहता है फेवरेबल फोकस करो, जो अनफेवरेबल है अनवांटेड है मत करो फोकस, चाहे वो कोई भी हो। बट क्योंकि हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने का बहुत हैबिट होता है, दैट्स व्हाई वी कीप ऑन प्रोजेक्ट। एज अ हीलर आपने इस बात को समझना है, और एज अ मेडिटेटर आपने इस बात को, मान लो क्लाइंट आया आपके पास में और क्लाइंट बिल्कुल मूर्ख है, क्लाइंट बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा क्लाइंट देख, बट फिर भी हमें अपना कर्तव्य तो करना है, हमें अपना काम तो करना है, हम उसकी शक्ल पे उसकी सूरत पे उसकी इंटेलिजेंस पे नहीं जा सकते, वो कैसा भी है क्लाइंट तो हमें, और दिक्कत में परेशानी हमें, बजाय उसके रंग रूप चेहरे या बीमारी की अवस्था के हमें फोकस करना होता है हीलिंग पे। कई बार ऐसा क्लाइंट आएगा कि जिसमें बीमारी बहुत हानिकारक है, जो आपको देख के डरावनी लग रही है। कई बार लोग कैंसर के नाम पे जब हीलिंग लेके आते हैं तो मैक्सिमम लोग डर जाते हैं कि सर कैंसर हीलिंग करते हो कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी, मैं कहा इस हिसाब से दुनिया की आधी बीमारियां तो मुझे होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास तो डेली कोई ना कोई बीमारी आती है। ऑब्वियसली अगर ऑरा लॉकिंग जैसी कोई टेक्निक होती है तो हम ऑरा लॉक कर लेंगे, और इतने प्यार से बीमारी अगर आ रही होती तो फिर तो मौज ही आ जाती। ऐसे बॉडी में बीमारियां ट्रांसफरेंस में नहीं आती। अगर आप किसी को एम्पथी दिल में रख के हीलिंग करोगे बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी, अगर आप किसी को सिंपथी रख के हीलिंग दोगे बीमारी ट्रांसफर। लिख लो काम आएगा, नए नए हीलर जितने भी हैं, एम्पथी इज इंपॉर्टेंट, सिंपथी इज नॉट इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम ही हीलर्स सिंपथाइज कर जाते हैं, एम्पथाइज नहीं कर पाते।
एम्पथी का मतलब है करुणा का भाव, करुणा। किसी को देखकर ये नहीं सोचना हो इसके साथ तो ये हो रहा है, जो हो रहा है उसके कर्मों के कारण से हो रहा है, जो हो रहा है उसकी ना तो आपने क्रिटिसिज्म करना ना उसके साथ जुड़ना, आपने बस कहना है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है इसके लिए हीलिंग दे ईश्वर आपको, और आपका सर्वोच्च भला हो, हाईएस्ट गुड। जब भी किसी को हीलिंग दें किसके लिए देनी है हीलिंग, हाईएस्ट गुड के लिए, लिख लीजिए और मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम ना कभी कभी गॉड मोड में चले जाते हैं, कभी कभी हम गॉड मोड में चले जाते हैं कि इसको इसी बीमारी के लिए हील करो। एनर्जी को पता है, एनर्जी की अपनी कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप जानती है उसे कैसे हील करो। आप जब कहीं पे प्रोजेक्शन देना शुरू करोगे उसे, वो अपने आप बॉडी में जाकर उस ओरिजिन तक पहुंच जाएगी जहां पर उसे हीलिंग दे, और वो अपने आप उस इंसान को रूट कॉज पे हीलिंग देना शुरू कर दे। एम आई क्लियर? तो कहीं भी हीलर को फालतू इमोशनल होने की जरूरत नहीं होती, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली? हालांकि बात कहने में और करने में बहुत फर्क है इसमें, क्योंकि इतना डिसिप्लिन इतना फोकस हर कोई नहीं ला पाता, लोग इमोशनल हो जाते हैं चीजों को देखकर। मैंने बहुत सारे हीलर्स देखे हैं हद इमोशनल होते हैं, डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं फिर अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। मान लीजिए आप इमोशनल थे, आपने किसी की इमोशनल हीलिंग करनी शुरू करी, आप उसके सारे सिम्टम्स शेयर करने शुरू हो गए, और नहीं तो वो आपकी सिम्टम्स शेयर कर लेगा। मान लो आप एक स्ट्रांग हीलर हो, आपने किसी की हीलिंग करनी शुरू करी, आपने उसके इमोशंस अपने अंदर नहीं आने दिए, बट आपके पास ये रेगुलेशन नहीं था कि आपके इमोशंस उसके अंदर नहीं जाएंगे। एम्पथी जब रखते हो तो इमोशंस शांत रहते हैं, वहां आप कर्म नहीं कर रहे, वहां आप ये कह रहे हो कि महादेव हीलिंग भेज रहे। सिंपथी जब आती है तो एनर्जी आपकी तरफ से जाएगी, आप एनर्जी के मालिक हो, तो सारे कर्म भी आपके, सारे परिणाम भी आपके। ध्यान रखिएगा इस बात को करते हुए, हीलर्स बहुत बार ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि दे बिकम इमोशनल। हमारी हीलिंग का मतलब इमोशनल होने से कदापि नहीं होता। हीलर को भी उतना ही प्रैक्टिकल होना चाहिए जितना डॉक्टर को होना चाहिए, हीलर उतनी प्रैक्टिकलिटी के साथ में हीलिंग करेगा तो अच्छा रहेगा। हीलिंग में स्पिरिचुअल क्वोशेंट नो डाउट होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप किसी की हीलिंग कर रहे हो और रो पड़े, हीलिंग करते करते आपके आंसू आ गए, इसलिए कि आप उसका पेन फील कर रहे हो और इसलिए कि आप मोक्ष फील कर रहे हो, दोनों में फर्क है। एक आंसू ब्लिस के होते हैं और एक आंसू उसका पेन शेयर करने के होते हैं। हीलिंग में हीलर को कभी पेन शेयर नहीं करना, नहीं तो पहले एक पागल था अब दो पागल है, ऐसे सब समझ लेना। पहले एक मरीज था दो मरीज है, फिर अपने हीलिंग के लिए किसी को बिठा लेना कि चलो चेन बनाते हैं, तुम मेरी हीलिंग करोगे, मैं इसकी हीलिंग करूंगा, इसकी हीलिंग फिर कोई और करेगा, फिर मेरी हीलिंग कोई और, पूरी चेन चल रही होगी आराम से, सारे रो रहे हैं बैठे बैठे। क्यों रो रहे हो? क्योंकि रो रहे हैं, पहला वाला दर्द में था, उसका दर्द दूसरे ने लिया, दूसरे का तीसरे ने, चेन चल रही है। तो ये अप्रोच सही नहीं होती। हीलिंग का मतलब शेयरिंग नहीं होता, हीलिंग का मतलब हीलिंग होता है कि आपने किसी की हीलिंग करी, दैट्स इट। यूनिवर्सल एनर्जी है, अपनी बॉडी से उसे एक मीडियमशिप प्रोवाइड करी, दैट्स इट। साथ वाले से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी। एम आई क्लियर? जितनी बातें समझा रहा हूं समझ आ रही? देखो पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है मुझे पता है, अभी तक हीलिंग के बारे में सुना नहीं था, अचानक से इतनी सारी बातें सुन ली, माइंड भी सुन लिया, हीलिंग भी सुन ली, बॉडी भी सुन ली, मुझे पता है अभी अभी नींद आ रही सब, एकदम से इतना काम का कंटेंट दिमाग ने सुना है ना कि दिमाग अब कहीं और नहीं जा रहा, दिमाग यहीं पर ही है मौत। तो दिमाग ना एकदम शांत हो, और शांत दिमाग एक काम करता है, सोता है। ऐसी मस्त नींद आती है ना शांत दिमाग को कि एकदम मज नींद आती है, और मेरे सेशंस में तो हीलिंग भी मिलती है, तो हीलिंग मिल रही है, दिमाग शांति में है तो मस्त नींद आएगी।
कितने लोगों को नींद आनी शुरू हो चुकी है, कैसा मन कर रहा है एकदम शांत? हाँ होगा, पूरे सेशंस में मेरे पास होगा, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, जितने कोर्सेज करिकुलम में आओगे दिमाग शांत हो जाएगा, शांत दिमाग होते ही नींद आनी शुरू। ओके तो आपने इस मोड से बाहर निकलना है। मैं एक दो टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, एक दो टॉपिक और डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर क्लास और करूंगा। मुझे पता है पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा, जितने लोग भी मेरे पास आए हैं मेरा एक प्रोटोकॉल सुन लो, समझ लो मेरे काम करने का तरीका। मैं कोशिश करता हूँ कि हीलिंग का ये जो आपका फ्राइडे सैटरडे संडे का है, ये एक वीक में ओवर हो जाए। पर अगर ये एक वीक में ओवर नहीं हुआ तो मेरे पास कोई मुसीबत नहीं है, मैं अगले वीक भी ये पढ़ा दूं। मुझे ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर प्रदान नहीं किया कि एक वीक के अंदर तुम्हें रेकी का सिलेबस खत्म कर, ये मेरे ऊपर है। मैंने पिछली बार रेकी लेवल 3 को 3 वीक में पढ़ाया, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा देना था मेरे क्लाइंट, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाने का शौक है तो मैं पढ़ा। आपको पढ़ने का शौक हो, आप मेरे पास है ना, टाइम मुझ पर छोड़ दे, कंटेंट मुझ पर छोड़, बस कान आंख नाक अपनी ज्ञान इंद्रियां खोल के आ जाना, बाकी काम मैनेज कर। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, 35 40 साल हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस काफी है। तो इतनी टेंशन तुम मत, हीलिंग कंटेंट भी बहुत अच्छा है मेरे पास, तो मजे से आना कि हम पढ़ेंगे। हाँ जिन्हें पढ़ने में काफी दिक्कत होती हो कि कम कंटेंट पढ़ना था, इसने कहा था 1 हफ्ते पढ़ाएगा, ये 2 हफ्ते क्यों पढ़ा रहा है, माफ। ओके आगे चलते हैं। और हाँ कल क्लास मैं 3:30 स्टार्ट कर दूंगा, आज मैंने रिक्वेस्ट मान ली थी कई लोगों की, मैंने 4 क्लास स्टार्ट करी है, पर कल से कोई रिक्वेस्ट नहीं, कल 3:30 शार्प क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके कल और परसों 3:30 का टाइम टाइम पीरियड। चलिए हीलिंग देते वक्त आपने अपने ऑरा को कंट्रोल करना होता है, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना। हीलर नीड्स टू बी प्रैक्टिकल एंड रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑरा एंड थॉट्स, नहीं तो पेशेंट आपके थॉट्स आपके ऑरा से इम्बाइब हो सकता है। इवन अगर मैं आपको अट्यूनमेंट दे रहा हूं और मेरा मेंटल सेटअप सही नहीं है, तो अट्यूनमेंट के बाद आप मेरी थॉट से रेगुलेट होकर चल पड़ेंगे। मान लीजिए मैं आपको अट्यून कर रहा हूं, दीक्षा दे रहा हूं, शक्तिपात दे रहा हूं, और उस वक्त मेरे को बहुत इमोशनल स्ट्रेस है, तो आप में भी मेरा इमोशनल स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब भी हम किसी और को दीक्षा देते हैं, हमें अपनी इमोशनल फास्टिंग करनी पड़ती है, अपनी स्पिरिचुअल फास्टिंग करनी पड़ती है, फिजिकल फास्टिंग करनी पड़ती है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं आपके जितने अट्यूनमेंट्स दिए हैं उसमें कुछ नहीं करता, मैं अट्यूनमेंट के टाइम भूखा रहता, ताकि मेरी जो ऊर्जा है ना वो मेरे में अंदर तक सीमित हो। खाने से मैं अपने आप को दबा लूं अपनी ऊर्जा को, सोता रहूं, नींद आती रहे, वो अच्छा नहीं। और एक बात सुनो, मान लो आपके पास इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा कब फील होगा, जब आपका पेट भरा हुआ है या पेट खाली है? इमोशनल स्ट्रेस आपको पेट भरे पे फील होता है, जब आप पेट खाली होगा ना आपका, पहली क्वांटिटी पता है बॉडी क्या मांगेगी, खाना। मान लो किसी का ब्रेकअप हो जाए, इसे 21 दिन की निर्जला फास्टिंग करा दो, 21 दिन में ये तो भूल जाएंगे प्यार मोहब्बत क्या है, क्योंकि जब बॉडी में खाना ही नहीं गया इतने दिनों से, अब क्या प्यार क्या मोहब्बत। पहले तो बॉडी इस मोड पे जाएगी, बेटा जिंदा रहना है, वो था या थी या थे इससे मतलब नहीं है, बॉडी पहले अपने आप को सेविंग मोड पे ले जाएगी। तो कहीं भी किसी के पास में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आ जाए ना, तो पहले उसे फास्टिंग पे ले जाओ। आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा आ जाए, अपनी डाइट को कट शॉर्ट कर दो, 1/4 खाना खाना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर खाना ही नहीं है, तो बॉडी पहले खाना मांगेगी। अब जब बॉडी भूखी है तो बॉडी एक्टिव है, एक्टिव बॉडी इमोशनल बातें करती नहीं, एक्टिव बॉडी प्रैक्टिकल बातें करती है। काम करो, एक काम करो, 4-5 दिन भूखे रह के देखो, अपनी एनर्जी को देखना कि आप डिप्रेसिव बातें कर रहे होगे, कभी भी नहीं, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी।
या तो आपको खाने की आदत है तो बहुत लो एनर्जी हो जाएगी, आप कहोगे हाय मुझे कोई रोटी दे दे रोटी दे दे, इस टाइप के हो जाओगे। नहीं तो अगर आप आध्यात्मिक हो और आप फास्टिंग पे चले गए, आपकी एनर्जी पहले से और बेहतर हो जाएगी। जो लोग नवरात्र के फास्ट रखते हैं, जो रमजान रखते हैं, ऐसा लगता है नवरात्र रखने मुश्किल है, सिर्फ 2 दिन तक। दूसरे नवरात्र के बाद ना आपकी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो जाती है। अब 9 दिन तक ना अगर कोई आपको खाने के लिए कुछ भी ना दे वो भी चलेगा, सिर्फ 2 दिन लगते हैं हैंडलिंग में। सेम ऐसे ही रमजान में होता है कि शुरू के 2 दिन तो आती है मुसीबत, कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो खाना चलता है ना, इफ्तार और सहरी दोनों बड़ी बड़ी मस्त होती हैं, खाए जाओ खाए जाओ, दूसरे तीसरे दिन के बाद भूख ही नहीं लगती। सिर्फ इंसान रोजा पी लेता है या 2 खजूर खा लेता है, बस पूरे दिन कुछ नहीं पता लगता। और कई लोग तो वो भी नहीं करते, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो पूरे पूरे रमजान एकदम मतलब सिर्फ पानी पे रहते हैं, डिटॉक्स, फुल मंथ डिटॉक्स। अगर आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आए, हमेशा याद रखना अपने आप को डिटॉक्स मोड पर दिया। आप किसी पेन से बाहर आना चाहते हो, किसी डिप्रेसिव सेंटेंसिंग से बाहर आना चाहते हो, कुछ भी खराब है उससे बाहर आना चाहते हो, डिटॉक्स। किसी में भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, खाने को मत दो कमक। प्रेत भी बॉडी खाता है और बॉडी खाना खाती है। जब बॉडी भूखी होगी तो प्रेत बाहर भागेगा कि ये तो कुछ खा ही नहीं रहा। मैंने कई लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि बॉडी में भूत बाधा थी उनके, मैंने फैमिली को बोल दिया था खाने को मत दो, वो चार चार लोगों का खाना खाता है, अब एक का भी नहीं मिल रहा उसे, कमरे में बंद कर दिया, खाना दे नहीं रहे। 2 दिन में प्रेत बाहर निकल गया, ऐसे सज्जन कुमार निकल गया है बाहर को। मैंने कहा प्रेत कहाँ है, अब नहीं है बॉडी के आसपास प्रेत। तो वेन एवर यू आर हंग्री, योर सात्विक एलिमेंट राइजेस। जब आप भूखे होते हो आपका सात्विक तत्व तो बढ़ जाता है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता, शुरुआत में तामसिक बढ़ता है, फिर राजसिक बढ़ता है, गुस्सा आता है, फिर सात्विक बढ़ता है। तो जब आप लॉन्ग फास्टिंग करते हो तो अल्टीमेटली आपके सत्व गुण बढ़ जाते हैं। तो जब भी लाइफ में कोई डिप्रेशन आए, एंजाइटी आए, पेन आए, खाना कम कर दो, फूड इंटेक कम करो। एम आई क्लियर? और खाना वो वाला खाओ जो जल्दी गल जाए, खाना वो वाला खाओ जल्दी गल जाए, जैसे बिना पका खाना, फल फ्रूट्स जल्दी हजम हो जाते हैं, इनका बॉडी में रहने का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। आपको पता है अगर आप छोले भटूरे खा लेते हो तो एक भटूरा आपकी बॉडी में कितने टाइम तक रहता है, कम से कम 1 वीक, यू नो सिंह। और आप डेली खाना खाते हो, कितना कुछ बचा हुआ है बॉडी के अंदर। आप में से कई लोग विपश्यना गए, विपश्यना, ओके। और वो जो ये जो हमारे पास में बेंगलोर के अंदर जिंदल्स का कहीं वो जो आयुर्वेदिक शाला है, वहां गए आपने से कोई? साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक शाला है, उनमें से गए? वो पहले अनीमा लगाते हैं, पता है आपको? कई विपश्यना सेंटर अनीमा लगाते हैं, पहले जाती है इंटेस्टाइन क्लीन करते हैं ताकि जो बचा हुआ मल है बाहर निकले बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन ब्लॉक होते हैं। जब तक आपके इंटेस्टाइन ओपन नहीं है, आपकी हीलिंग पावर पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं। लिख लो, जब तक आपका इंटेस्टाइन क्लॉग है आपका ब्रेन क्लॉग है, मतलब इंटेस्टाइन फंसा हुआ है तो ब्रेन फंसा हुआ है, ऐसे लिखना है सर। इंटेस्टाइन आर एंड ब्रेन आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड। तभी कहते हैं पेट में कुछ मत डालो, दिमाग चलेगा बहुत तेज। भूखा दिमाग बहुत तेज चलता है, खाया पिया दिमाग एकदम थस मिलता है। किसी इंसान को 2 प्लेट छोले भटूरे खिला दो, उसका पिला दो 1 गिलास लस्सी, मैं कहता हूं यमराज के भैंसे बैठ चुका है ये, पीछे यमराज आगे ये, और ऊपर लस्सी और भटूरे लग चुके हैं, पूरी प्लेट लग चुकी है अंदर इसके मरने के लिए। इंसान को फ्रूट्स की डाइट पर भेज दो,
एक महीने के लिए फ्रूट्स, आप देखना उसके गाल कैसे हो जाएंगे एक महीने के अंदर। आपको एक बात बताता हूं, अफगानिस्तान के पास में कुछ गांव ऐसे हैं जहां खाने के लिए भोजन नहीं है, पर उन लोगों के पास कुछ सीड्स हैं, कुछ अंजीर हैं, और वो लोग साल भर तक वो सीड्स और अंजीर खाते हैं। और ये यूएन ने एक प्रोग्राम में टेलीकास्ट करा कि उनकी स्किन का टेक्सचर पूरे वर्ल्ड के स्किन के टेक्सचर से बेहतर। वो भूखे रहते हैं खाने के लिए चीजें नहीं है उनके पास, बट उनकी स्किन क्वालिटी बाकी स्किन क्वालिटी से बेहतर कैसे है? स्किन की डिसीज किसी को हो आप में से, अपना फूड एकदम ऑर्गेनिक और एल्कलाइन करते। जितना भी शेल्फ लाइफ वाला फूड खाते हो, पैक्ड फूड खाते हो, जो भी चीज पैकिंग से बाहर आए ना मत खाना। अगर स्किन ठीक करनी है, कैंसर ठीक करना है, पैकेट से खुलने वाली कोई भी चीज मत खाओ थोड़े दिन के लिए। पैकेट से खुलने वाली कोई भी चीज मत खाओ थोड़े दिन के लिए। दूध आता है पैकेट में, आता है लाइव लेके आओ। पैक्ड फूड आते हैं, सब्जियां लेके आओ। जो भी पैकेट खोलने वाली चीजें हैं हटा दो, स्किन डिसीज बड़ी से बड़ी विसरल डिसीज हील हो जाएंगी। क्योंकि बॉडी के अंदर जब आप ये ओपन पैकेट चीजें डालते हो तो इनके अंदर के प्रिजर्वेटिव बॉडी में जाते और मैक्सिमम हार्म आपका ये प्रिजर्वेटिव करते। यू नो दिस थिंग, शेल्फ लाइफ एनहेंस करने के लिए एनहेंसर्स डाले जाते। मैं कई लोगों से सुनता हूं, आपने भी सुना होगा, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि ब्राउन ब्रेड ब्राउन तो नहीं है। 60-40 का रेशियो है। एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। और उसमें स्टेबलाइजर डले होते हैं, सोडियम बेंजोएट डला होता है, खा रहे हैं आराम से। और मजे की बात, KFC का बर्गर खा रहे हैं, मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, बर्गर के नीचे सोडियम पोटेशियम कंटेंट लिखा होता है, पढ़ के देखना। अभी मैंने रिसेंटली किसी को दिखाया था, 1240 mg सॉल्ट, Na 1240, और बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 20 या 30। तो अगर आपको हाई बीपी है और आप ये कंपनी के बर्गर खाते फिर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत सिंपल है बॉडी को डिटॉक्स करना, कि आप बॉडी को कुछ दिनों के लिए शॉक में डाल दो, बॉडी को आश्चर्यचकित कर दो कि तू भूखी थी ना, मैं खाना दूंगा ही नहीं। जब बॉडी शॉक में जाती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाती है, जब बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाती है तो बॉडी अपनी जो क्वालिटीज होती है उसे एनहेंस कर दे। हमने कितने ही हीलर्स के ऊपर, मैंने खुद अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा, मैं अपनी बॉडी को बहुत शॉक में भेज देता हूं। कल खाना खाया, मस्त खाना खाया, पार्टी करी है, ये करा है, वो करा है, अगले 2 दिन तक पपीता। बॉडी तरस जाए खाना देखने के लिए। जब तक बॉडी चिल्ला चिल्ला के निकलती, बेटा खाना दे दो, एक रोटी दे दो, मैं बेहोश होने वाली हूँ, तब बॉडी को खाना डालेगा। क्योंकि अब अगर बॉडी लगातार खाना खा रही है तो उसे वो एसिमिलेट करेगी, एक्यूमिलेट करेगी, एसिमिलेट करेगी। आपको पता है एसिमिलेशन अच्छा होता है, एक्यूमुलेशन अच्छा नहीं होता। एसिमिलेट करेगी, पचा लेगी, एक्यूमुलेट करेगी, साइड में देखना पेट के नीचे दो चीजें लटकी होती हैं ऐसे करके साइड में, जिन्हें कहते हैं हम लव हैंडल्स, विच वी कांट हैंडल, इसे एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं ह्यूमन बॉडी का। ये सबके पास में मल्टीपल जगह पे होते हैं बॉडी के। मेरी एक स्टूडेंट मुझसे कहती है कि मैंने खाना खाया है, मेरा खाना मेरी बॉडी में लगा कि नहीं लगा, इसका प्रूफ क्या है? मैं एक काम कर, अपने हाथ को ऐसे कर और अपने ट्राइसेप्स को ऐसे हाथ मार, अगर तेरी ट्राइसेप्स बहुत देर तक ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहे, तेरी बॉडी का और तेरे खाने का रेशो बराबर है। अगर तेरी ट्राइसेप नहीं हिले, एक्सरसाइज भी ठीक चल रही है, डाइट भी ठीक चल रही है, करके देख लो कि कोई भी अपने आर्म्स को ऐसे करके देख लो, आपको पता लग जाएगा मूवमेंट कैसी है। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मूवमेंट कैसी आ रही है।
आपकी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती है। नहीं बेटा तूने नहीं करना, सौरभ तूने नहीं करना बेटा, इसके लिए ट्राइसेप्स होनी चाहिए पहले। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके हैं। तुम्हारे पास ये काम नहीं बनता क्योंकि तुम्हारी हड्डियों पर कुछ है, इनकी हड्डियों पर बहुत कुछ है। सौरभ तेरी होगी थाइज, इनका है थाईलैंड। तो बेटे तो रेशो अलग अलग है, ठीक है? तूने कंपेयर नहीं कर रहा है इनसे, ये इतना छोटा सा कहां से अभी इसमें फैट आएगा? ना बच्चे ना, ऐसे नहीं, ये हम पे सूट करता है, ये जोक हमारे लिए सब, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ये वो लोगों के ऊपर होता है, जैसे अभी आई एम टचिंग माई 50s, तो यहाँ जितने 50 वाले ने, पता होगा सुबह सुबह उठ के जो मौत आती है ना हड्डियों को, जब बिस्तर से टांगे बाहर उतारते हैं ना, सौरभ ये अभी बेटे तेरे को फील नहीं होगा, जो सुबह उठ के लगता है ना एक एक हड्डी अपनी नहीं है किसी और की है। 25 में बॉडी एक्टिव थी, 30 तक बॉडी एक्टिव थी, 40 में भी थी, पर अब बॉडी का हर एक ऑर्गन अलग अलग बजता है सुबह उठ के। हमें लेगो की तरह से बॉडी असेंबल करनी पड़ती है कि बेटे इतना मत बजो, कभी खुल जाओ। तो सुबह 10-15 मिनट अपनी हीलिंग करते हैं उठ के। ऑल ऑल द पीपल हु आर टचिंग 50 एग्री विद मी, सुबह सुबह उठ के जो सारंगी बजती है, नेक पूरी आवाज करती है। अगर नेक को सुबह सुबह ऐसे कर लेना तो पता नहीं कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकाल के चलती है नेक। दिस इज नोन एज कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं गया। जब ये काम मैं करूंगा फास्टिंग के टाइम पे, मैं सुबह उठता हूँ फ्रेश और मेरी बॉडी में इतना सा भी दर्द नहीं। एग्री विद मी? जितने फास्टिंग करते हैं उन्हें पता होगा बात ये कि अगर हम रेगुलर फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, दोपहर के 4 बजे के बाद खाना नहीं खाना होता इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले। दोपहर के 4 बजे के बाद खाना नहीं खाना होता, और ये खाना खाते हैं अगले दिन 9 बजे, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। उनकी बॉडी दूसरी बॉडी से ज्यादा एक्टिव है। लिख लो, हीलर बनने में काम आएंगे सारे स्टेप्स, और पुराने वाले जितने पढ़ चुके हो पहले मेरे से, तुम्हें और मसाला मिल रहा है। सारे खुश हैं, वाह क्या खुशी है। भाई मस्त एक्सप्रेशन आए चेहरे पर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पुराने वाले जितने भी, वो समझ में आ रहा है सारा कुछ जो चल रहा है? नए वाले तो पहली बार झेल रहे हैं। तुम्हारी डबल लेयर प्रोटेक्शन बन गई है बॉडी के आसपास, दो दो टेक्निक सीखे तूने, पहले तो पहले अपनी वाली फिर इनकी वाली, यूज भी कर लेना इन टेक्निक्स को, तो मैं पढ़ा पढ़ो के निकल जाऊं कि हाँ तू बोल तो बड़ा अच्छा है। पढ़ा और निकल, यूज करना इन टेक्निक्स को, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं फिर ओवर करते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी सेंसिंग बढ़ जाती है, हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट इंक्रीज होता है। रेगुलर फास्टिंग से हम अपने टॉक्सिन्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, बट फास्टिंग करते हुए ना आपके जो इमोशन है और जो चेहरा है उसमें खुशी भी होनी चाहिए। ये चेहरे पर जो मुफलिसी के एक्सप्रेशन लेके फास्टिंग करते हैं ना, उनकी फास्टिंग किसी साइड नहीं आती। मैंने ग्रुप में बोला मुफलिसी, मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा मूंगफलीसी, उसने मूंगफलीसी का मूंगफलीसी कर दिया। तुम उर्दू की ऐसी मामी चाची और बुआ जी एक करी ना उसने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसने उन्हें मूंगफलीसी। तो आपने अपने फास्टिंग में अपने ब्रेन को भी फास्टिंग देनी होती है। जब व्रत करते हो तो इमोशनल व्रत भी होता है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से व्रत होता है। और व्रत में चुगलियां नहीं करनी होती। ये चटपटे किस्से, ये इंजॉयमेंट वाली न्यूज, ये आरामदेह जीवन, ये त्यागना होता थोड़ा सा, व्रत है वो। अगर नहीं समझ में आए तो विजुलाइज करके देखना कि तुम्हें महादेव ध्यान करते मिले हैं, त्रिशूल के ऊपर सो रहे हैं कैलाश पर्वत पे, त्रिशूल लगा के सिर के नीचे आ करके सो रहे हैं, कैसे लगे महादेव? हो गए ना डिस्टॉर्ट, सारी इमेज खराब कर दी ना।
जो चीज जैसी है वैसी अलाइनमेंट में हो तो ही वो समझ में आती है। ओके सो एक ध्यान करने वाले साधक की जिंदगी अपराइट होनी चाहिए, उसकी एनर्जी हमेशा इंटैक्ट होनी चाहिए, कभी भी हॉरिजॉन्टल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। वर्टिकली अपराइट बैठो, सीधी एनर्जी रखो, स्पाइन सीधी रखो, आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली सीधी आ रही है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, मैंने कोई सपोर्ट नहीं लिया हुआ, बैक पे सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अपराइट एनर्जी है सर। अब कई लोग होते हैं पूरे के पूरे ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, कोहनियां ऊपर, सर ऊपर, अरे स्पाइन मतलब काहे लगाई थी, 2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है, सीधे बैठ लो। और 2-3 घंटे स्पाइन पे सीधे बैठना इनके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के बराबर होता है कि इस बार तो हमें द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड दिलाई, क्योंकि हम 2 घंटे सीधे बैठे थे। स्पाइन इज द मेन एलिमेंट दैट शुड बी अपराइट, ये पहला केंद्र होता है। सातों चक्र अगर सीधे नहीं हुए, जानवर देखा है, जानवर उसके हॉरिजॉन्टल चक्र होते हैं सारे, तभी वो जानवर है, क्योंकि उसका स्वादिष्ठान, उसका मूल आधार उसके सहस्त्रार के लेवल पे है। हम में और उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे सहस्त्रार में और हमारे मूल आधार में बहुत फर्क है, तभी हमारी एनर्जी अपराइट है। कीप इट दैट वे। और अपने बच्चों को भी याद दिलाना कि जो लेट के जो पढ़ते हैं, उल्टा लेट के पढ़ते हैं ना, कई लोग चुड़ैल और भूतों की तरह से देखा ना, उल्टी चुड़ैल चिपट गई किसी के, ऐसे पढ़ते हैं ना कि बिस्तर पर ऐसे ऐसे लेट के, हाँ वैसे नहीं पढ़ना। मैंने भी काफी पढ़ाई करी है, चलो थोड़ी बहुत मान लो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है ना मैंने, वो सीधे बैठ के पढ़ा है, और मतलब पढ़ा है, आज भी काम आ रहा है। स्पाइन सीधी, पानी बॉडी में रेगुलरली एडिक्वेट अमाउंट में डालो, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बॉडी में अच्छी मात्रा में जाए, तभी आप अच्छे हीलर बन सकते हो। वाटर एलिमेंट कम हुआ, आपकी बॉडी स्केली और ड्राई हो जाएगी, आपकी हीलिंग जाएगी, बट वो अग्नि क्रिएट करेगी, दूसरे की बॉडी में जलन करेगी। जो हीलर अपनी बॉडी में पानी नहीं डालते उनका पित्त एलिमेंट बढ़ जाता है, बहुत पित्त कफ में, जो अपनी बॉडी में पित्त बैलेंस नहीं कर पाते वो दूसरे के अंदर क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। जब आप दूसरे की हीलिंग करोगे तो उसका एंगर पॉइंट इंस्टिगेट हो, लिख लो। और यदि बॉडी में आपके फैट कंटेंट बढ़ा हुआ है, फैट कंटेंट बढ़े का मतलब क्या होता है कि आप उस फैट को हैंडल नहीं कर पा रहे। कई लोग होते हैं अपने फैट रखते हैं बॉडी में पर एक्टिव होते हैं, वो ठीक है, वो उनका मोबल फैट है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों की लाइफ बहुत सीडेंटरी होती है कि ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, ऐसा फैट कंटेंट है, और आप एक हीलर बन गए हो। अब आप किसी की हीलिंग करोगे तो उसके इमोशन डिसबैलेंस कर दोगे। मैंने कई हीलर्स पे रिसर्च कंडक्ट करी है तब बता रहा हूँ, मैं ओबेस पीपल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ओबेसिटी को कोई कर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ, बट प्लीज इस बात को ध्यान से रख के चलना, क्योंकि ये होता है ऐसे ही। मैं कितने ही रिसर्च कंडक्ट करी है लोगों के ऊपर कि मैंने जब इंसान को देखा कि उसका फैट हैंडल नहीं हो रहा, उससे वो खुद में डिप्रेसिव है, उसका फैट उसे स्टेगनेंसी दे रहा है, अब वो जब भी किसी की हीलिंग करेगा तो उसकी स्टेगनेंसी का एक अंश दूसरे में चला जाएगा। इनके पेशेंट भी जो बनते हैं वो इमोशनल बन जाते हैं। अनस्टेबल हीलर अनस्टेबल पेशेंट, स्टेबल हीलर स्टेबल पेशेंट। ये कहानी समझ आ रही है, बात क्लियर हो रही है सबको? हमारा हमारी बॉडी पे बहुत रेगुलेशन होना चाहिए हीलिंग देते हुए, ये बहुत कम आता है। और जब तक आपको लगता है कि आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं है हीलर बनने के लिए, किसी और को हील करने के लिए, अपनी बॉडी खुद हीलिंग कीजिए ना। किसने कहा बहुत जल्दी दूसरों की हीलिंग करने के लिए, पहले अपनी हीलिंग खुद को कीजिए। बॉडी में फैट है, आपको फैट डिजोल्व करना है, अफॉर्मेशन करके हीलिंग डालिए अपने पेट पे, अपने फैट फैट मॉलिक्यूल्स पे, कि ये सारा फैट बर्न हो रहा है, ये सारा फैट डिजोल्व हो रहा है, अनवांटेड फैट मेरी बॉडी से बाहर जा रहा है। डेली अपनी हीलिंग कीजिए, जितने घंटे करनी करो फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। मैंने कई हीलर्स को देखा, कई हीलर्स ने काम करा, क्लियर?
वाटर कंटेंट और इसके बाद एयर कंटेंट। वाटर पहले अपराइट पोस्चर, फिर वाटर, फिर एयर। आयरन इन द बॉडी, आयरन कंटेंट इन द बॉडी। जिस भी हीलर को अनीमिया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, उसकी बॉडी में हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बहुत बार हीलिंग उतनी नहीं पहुंच पाती। और इनके ऊपर एनर्जी अटैक की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होती है, जिनकी बॉडी न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड होती है। लिख लो, काम आएगी ये। जिसकी बॉडी में भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, उस पर एनर्जी इंपैक्ट जल्दी होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जल्दी हो जाएगा नॉर्मल लोगों से। क्लियर? मेडिटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन। और मेडिटेशन कैसा? सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, गहरी सांस लेनी है और गहरी वाली छोड़ देनी है, ठीक है? सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। पर इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, साइलेंस कर लगा के। इनहेल और एक्सहेल की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए, लेके देखना सांस, सांस की आवाज कानों में आती है आपकी? आवाज नहीं होनी चाहिए। जब जब हम आवाज करते हैं सांस से, वहां अग्नि तत्व बन रहा होता है। जब भी हम सांस को इजी लेते हैं, तो जल तत्व बन जाता है, और फिर वायु बनता है, फिर आकाश बन जाता है। पहले स्टार्टिंग में हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं, फिर हमारे अंदर की इच्छाएं बैलेंस होती हैं, और फिर हमारे पास हमारा अंतरिक्ष, आकाश तत्व, हमारा स्पिरिचुअलिटी बैलेंस होता है। ओके? नहीं, हीलर्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन होंगी एकदम से, देख लो, देख आराम से लो। और मेरे सेशंस में ना एक बात याद रखना कि सड़ा हुआ मुंह नहीं होना चाहिए। तुम इतना हुस्न वाला मुंह देख रहे हो, तो मुझे भी हुस्न वाले मुंह देखने का अधिकार, जैसा भी है हुस्न वाला है, हम तो मानते हैं। मुझे ये वाले नहीं देखने, इंटरेस्टिंग वाले देखने। वेरी गुड, ओके। तो अपने फेस पर ना स्माइल हमेशा रखनी। मनहूस हीलर इज अ मनहूस हीलर, वी आर नॉट मनहूस हीलर। ओके ओके, आप लोग अपने ऑरा को अपनी स्माइल से ठीक करना शुरू कर दो, क्योंकि जब हमारी ची, हमारी एनर्जी विजिबली अच्छी नहीं है, तो फिर वो डीपर लेवल पे भी अच्छी नहीं हो पाती, सटल लेवल पे भी अच्छी नहीं हो पाती। तो हीलर को पहले अपनी आउटर ची बैलेंस करनी चाहिए। चाहे आप जिंदगी में एकदम रोतरू सही, मिर्जा गालिब के रोते हुए कलाम सही आप, पर जब बाहर जाना है तो एकदम ओहो वाला, हंसी मजाक वाला चलना मामला, ठीक है? विजिबल एनर्जी हमेशा वाइब्रेंट होनी चाहिए, तभी आपकी सटल एनर्जी भी वाइब्रेंट हो जाती है। कई बार ना ऐसा होता है कि हमें मुस्कुराने की हैबिट होती नहीं, कोर्स ऑफ टाइम में जिंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से ना हमारा चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है, बट वो सीरियस चेहरा ना एक सीरियस एनर्जी को जन्म देता है, बाबू एक सैडिस्ट एनर्जी को जन्म देता है। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। हीलर्स की एनर्जी ऐसी होती है कि हमारा जो क्लाइंट और पेशेंट होता है ना, वो हमें देखकर ही खुश हो जाता है, कि जब ये इतने मजे में है तो मैं मजा क्यों ना लूं, इसे भी तो कुछ मिल ही रहा होगा। तो आधा तो यही हो गया विश्वास कि कुछ तो मिले, है ना?
कि जब ये कमबख्त इतना स्माइल कर रहा है तो कम से कम मुझे तो इसकी एक चौथाई तो मिलेगी। तो पहले तो उन्हें आधा मोटिवेट कर देते हैं। तो आपके चेहरे पर ना जो स्माइल है वो बहुत कीमती होती है, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। तो ये गधे वाला मुंह बनाना बंद कर दो, और फीमेल अपने हिसाब से जेंडर चेंज करके सोच लेंगी। ओके चलो आज के लिए बहुत है, बहुत थक गए होगे मेरे ख्याल से लिखते लिखते। ये थी खबर आज तक, इंतजार कीजिए कल तक 3:30 बजे, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल टाइम पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी की रिक्वेस्ट सुनूंगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।